यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। सेशन चालू करना है, ठीक है? बिकॉज मुझे अब तक के नहीं दिखाए हैं। लो पूजा, राज, सुजय, गजानन, तेजस एंड श्रीकांत, हेलो टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप अपने घर में हैं, सेफ है, सुरक्षित है और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। हेलो प्रणाली, पूजा, ऋतु कुमारी, हेलो टू ऑल ऑफ यू। चलिए लेट अस स्टार्ट। हम लोग फटाफट कुछ बातें देख लेते हैं। आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड अलाइक। हाँ, गुड इवनिंग। सो राम राम सभी को, सभी लोगों को हेलो। आप सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो आता है अंडर द टॉपिक्स ऑफ सीए फाइनल। तो मैं सबको बता दूं फटाफट, ये रिवीजन सेशन किसके लिए है? ये रिवीजन सेशन है सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल, सीएमए फाइनल वालों के लिए रिवीजन का टॉपिक है ये। रिवीजन का टॉपिक है सीएमए इंटर वालों के लिए एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए। ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी है और न्यू सिलेबस वालों के लिए भी है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, आज आपको बहुत सारा मजा आने वाला है। हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्च एंड सीजर के पावर, जिसे हम अपने वर्नैक्युलर लैंग्वेज में कहते हैं रेड। रेड के पावर क्या होता है, रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे रेड करता है, रेड कौन से एंगल पे की जाती है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है रेड के वक्त, असेसी के पावर क्या है रेड करते वक्त, डिपार्टमेंट क्या क्या कर सकता है रेड के वक्त, ये सारी बातों से रिलेटेड एक चैप्टर है। इस चैप्टर को कहा जाता है सर्च एंड सीजर। आपके जितने दोस्त होंगे जिनको ये टॉपिक करना होगा, फटाफट उन लोग को बुला लीजिए, बोल दीजिए सेशन चालू हो चुका है और वो फटाफट आ जाए और जुड़ जाए। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक रिविजन है, तो आप इसको रिवीजन के एंगल से ही देखिएगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं कर पाऊंगा, जितनी मैं स्पेसिफिकली रेगुलर लेक्चर के अंदर करता हूं मैं इतना यहां पे नहीं कर पाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू रेड। हालांकि जितने पॉइंट होंगे मैं उसको जरूर डिस्कशन में लाऊंगा। ये टॉपिक अगर सीए फाइनल वाले या कोई भी उठा करके देखते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं इनमें सेक्शंस। हाँ, इसके प्रोविजंस बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इनमें अगर कोई सबसे ज्यादा यू नो जो आपको चीज कंफ्यूज करती है तो वो कंफ्यूज करती है सेक्शन। ये सुनो, और सेक्शन को यहां पे बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपने एक हाथ सेक्शन में मिस कर दिया। इनफैक्ट सब सेक्शंस के भी गेम है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ये एक पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जहां पे आपको सेक्शन और सबसेक्शन क्लियर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग जगह इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पावर है। अगर आप मॉड्यूल में जाकर के देखेंगे तो इस टॉपिक का नाम होता है असेसमेंट प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। कई बच्चे उस दिन मुझे कह रहे थे, सर इनकम टैक्स अथॉरिटी में सेक्शन 131, 132 के पावर। मैंने आपको कहा था इनकम टैक्स अथॉरिटी को अलग रखो और इसके जो पावर्स है सर्च एंड सीजर के अलग रखे जाएं। मैं आपको एक बार वापस से असेसमेंट का वो चार्ट याद दिला देता हूं, क्योंकि हमारे पिछले 7 टॉपिक उस चार्ट से कनेक्टेड है। वो 7 टॉपिक आप लोगों ने आई होप पढ़ लिए होंगे। कोई अगर पहली बार आज के दिन आया होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले जाइए वो सारे टॉपिक पढ़िए, क्योंकि ये सब कनेक्टेड लिंक्स है। तो आप अगर कनेक्टेड लिंक्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और अगर कनेक्टेड लिंक के साथ नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आप आगे पीछे हो जाए। पर कनेक्टेड लिंक के साथ पढ़े तो मेरे हिसाब से आपको सारे सेक्शन नंबर भी याद हो जाएंगे, प्लस कौन सी चीज किसके बाद आती है आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। बात करते हैं एक एक पॉइंट की। सबसे पहले घर से निकलते कुछ दूर चलते ही याद होगा तो हम सबसे पहले भरेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर के हमें क्या भरना होगा? रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम के बाद या तो ये ट्रेसेस में जाएगा या तो सीएएसएस के अंदर में जाएगा। वहां से जाने के बाद इसके ऊपर होगी समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट होने के बाद एओ डिसाइड करेगा असेसमेंट करना है या नहीं करना है। अगर उसको असेसमेंट करना है वो 142(1) का पावर लेगा, या तो कुछ लोगों से रिटर्न भरवाएगा या कुछ लोगों से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा। रिटर्न और इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो इस रिटर्न को और इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, एनालाइज करना चालू करेगा। एनालाइज करने के बाद क्या होगा आपको भी पता है, वो सामने वाले को नोटिस देगा 143(2) का और बोलेगा आ 143(3) के अंदर में हम लोग असेसमेंट करते हैं, या तो फिर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा अगर उसे लगता है किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस हुआ होगा तो। इसी के साथ साथ बीच में वो दो पावर और यूज कर सकता है। वो दो पावर कौन कौन से है? एक है और स्पेशल ऑडिट का पावर है और दूसरा है वैल्यूएशन करवाने का 142(a) के अंदर में। यस और नो? जो भी करेगा इसके बाद ये अपना फाइनल ऑर्डर निकालेगा। कुछ पेबिलिटी आ रहा है तो 156 के अंदर में आपको ऑर्डर देगा। ऑर्डर दो बातें हो सकती है, आपको पसंद आया ऑर्डर, आपको एओ का पसंद नहीं आया। अगर एओ का ऑर्डर आपको पसंद आया, आप पे करोगे 30 डेज के अंदर में, असेसमेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप बोलोगे अर अर, क्या बोलोगे अर 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 अर, बोले तो क्या अर अर बोले तो
अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन. अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, तीन चीजें करोगे. याद होगा तो ये तीनों चैप्टर हमने कर दिया. याद कीजिए, रेक्टिफिकेशन 154, अपील 246 से लेकर के 261 तक के जा रहा है पूरा. और आपका तीसरा था रिवीजन, जिसको हमने कल ही देखा, 263, 264 का वाला रिवीजन. ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है इस असेसी से रिलेटेड कुछ मिले, हो सकता है कुछ छोटा मिले या कुछ बड़ा मिले. छोटा मिले इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर दी जाती है, और अगर कुछ बहुत बड़ा मिले तो सर्च का पावर यूज होता है. मैं सबसे पहले बता दूं, डिपार्टमेंट ऐसे ही उठे सुटे किसी के ऊपर सर्च नहीं निकालता. सबसे पहले इस आदमी की, कई बार मैक्सिमम केसेस में ऐसा हुआ है, हालांकि ये जरूरी नहीं है, पर मैक्सिमम केसेस में ऐसा हुआ है कि जो व्यक्ति के ऊपर रेड मारी जा रही है, इस रेड से पहले उसके ऊपर असेसमेंट हो चुकी होती है. पर ये जरूरी नहीं है. कई बार वो रिटर्न नहीं भरता और उसके पास कुछ अनऑब्जेक्शन, यू नो, कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी मिल जाती है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अच्छा जी सर, क्या ऐसे ही किसी के ऊपर भी रेड कर देते होंगे? आंसर इज नो. मान लीजिए अगर रेड हुई और रेड के अंदर कुछ नाम मिला तो क्या होता है, कभी आपने सुना है? और इस टाइम पे आपको वो जो रेड मूवी थी अजय देवगन वाली, उसके बहुत सारे सीन्स हैं जो मैं आपको याद दिलाऊंगा और प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कोरिलेट करवाऊंगा कि क्या ऐसा कर सकते हैं या ऐसा नहीं कर सकते, हम आज जरूर देखने वाले हैं. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए, अगर हम लोगों ने मान लीजिए रेड कर दी किसी के ऊपर और रेड में हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता तो क्या होगा, और कहां क्या लिखा है, किस सेक्शन में क्या लिखा है, आप मुझे बता सकते हैं? मान लीजिए हमने किसी के ऊपर रेड कर दी और हमें कुछ नहीं मिला. लेट अस से हम लोगों ने दर्शन सर के घर पे रेड कर दी. दर्शन सर के घर पे रेड करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, बताइए क्या करेंगे, क्या होता है इसके आगे? दर्शन सर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हमने रेड करी, उनके घर पे कुछ नहीं मिला, बताइए दर्शन सर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ बता पाएंगे आप, क्या कर लेंगे दर्शन सर? कुछ बता पाएंगे? कोई बता सकता है? किसी का जवाब नहीं आ रहा मेरे पास अब तक कि क्या हो जाएगा. हमने रेड करी और उनके घर पे कुछ नहीं मिला, क्या हो जाएगा, क्या ही कर लेंगे दर्शन सर हमारा? एनी बड़ी, एनी आंसर? कुछ नहीं करेंगे दर्शन सर हमारा, केस कर देंगे आप पे. मेरे ऊपर क्या केस करेंगे बताइए? मैं तो खुद डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा करने गया था. अब दर्शन सर के घर पे कुछ नहीं मिला या दर्शन सर ने कहीं और छिपा दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ. बिल्कुल एक जवाब तो बिल्कुल सही आया, और जवाब दो सही आ गए मेरे पास, तीन जवाब सही आ गए, और वो जवाब है यस. केस फाइल किया जाएगा आप पे, मानहानि का दावा लगाया जाएगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस में क्या करेगा, मानहानि के दावे को पे करना पड़ता है, और एक लमसम अमाउंट पे करनी पड़ सकती है. किसको? एक लमसम अमाउंट पे करनी पड़ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. साथ साथ में जो पब्लिक बेइज्जती होगी वो अलग, क्योंकि मीडिया पीछे पड़ जाएगा, सोशल मीडिया पीछे पड़ जाएगा, वो अलग. तो ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं होता, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इस एसएससी के बारे में, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही क्या किया जाता है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई रेड की प्रोसीजर चलाई जाती है. रेड करने से पहले ये लोग देख लेते हैं असेस करके. क्यों हम कहते हैं जनरली रेड से पहले असेसमेंट होता है, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है. रेड करने के पावर्स लेने से पहले उसके ऊपर असेसमेंट होता है, ताकि खंगाल लिया जाता है कि क्या ये व्यक्ति के पास सच में कुछ ऐसा है जो रेड जितना बड़ा पावर यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. राइट. तो इसी के लिए मैक्सिमम केसेस में रेड होती है. सर रेड होने के बाद क्या होता है, क्या आपका सारा सामान उठा करके लेके जाते हैं? आएंगे उसके, उसका एक सेक्शन है सेक्शन 132, जिसके अंदर हम देखेंगे कि रेड में क्या होता है, और एक है 132B कि इसके बाद का जो सामान होता है इसका क्या किया जाता है. तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे. सबसे पहले इस सेक्शन को बांध दूं तो इस सेक्शन को तीन पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, स्पेशली तीन सेक्शंस के अंदर हमें डिवाइड करना पड़ेगा. राइट. तीन सेक्शंस के अंदर में हम इसे डिवाइड करेंगे, 131, 132, 133. मेनली हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, और यहां पे हम इसमें एडिशन करेंगे 153A और 153C का. ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा. हम इस चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किए, 131, 132, 133. मैं इसके सबसेक्शंस नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इसको मेजर तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, और इसके सबसेक्शंस पे आगे डिस्कस करूंगा. ठीक है. 131 किस बारे में बात करता है? 131 हमसे बात करता है सिर्फ और सिर्फ पावर्स के बारे में. अलग अलग जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या क्या पावर है,
132 हमसे बात करता है सर्च के बारे में, 133 हमसे बात करता है पावर प्लस सर्वे के बारे में, ठीक है। मैं इनके सबसेक्शंस नहीं लिख रहा हूं, हम सबसे पहले मोटे मोटी तौर पे चैप्टर समझ रहे हैं। और 153 ए और सी बात करता है असेसमेंट के ऊपर, किसके ऊपर बात करता है, असेसमेंट के ऊपर जो होती है आफ्टर सर्च, सर्च के बाद जो असेसमेंट की जाती है इसे हम लोग कहते हैं 153। सर्च के बाद जो असेसमेंट होती है इसे हम कहते हैं 153। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डन। सो 131 पावर्स की बात करता है, 132 सर्च की बात करता है, 133 पावर प्लस सर्वे की बात करता है, 153 ए और सी किस बारे में बात करता है, असेसमेंट आफ्टर द सर्च, कि सर्च के बाद जो असेसमेंट्स होती है उसके अंदर में क्या किया जाता है, इस बारे में बात करते हैं। चेक आउट। अब बात कर लेते हैं आगे, आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सर किस तरीके से डील किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 131 हमें यह समझना बहुत जरूरी है, 131 के तीन अलग अलग सबसेक्शन है, 131 के तीन अलग अलग सबसेक्शन है। 131 बात करता है पावर ऑफ इनकम टैक्स, या स्ट्रेट अवे ये बात करता है हमसे पावर टू समन की। वन थर्टी वन वन 131-2 पावर इन DTAA, 131-2 हमसे बात करता है पावर इन DTAA के बारे में, 131-3 हमसे बात करता है इंपाउंडिंग, इंपाउंडिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। So, ये तीन पार्ट में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। 131-1, 131-2, 131-3, हम तीन पार्ट के अंदर में इसे डिवाइड कर रहे हैं। 131-1 हमसे बात करता है पावर टू समन, दैट इज पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी टू इशू द समन। 131-2 हमसे बात करता है पावर इन DTAA विच इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। एंड 131-3 बात करता है इंपाउंडिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, इंपाउंडिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, राइट। तो सबसे पहले हमने चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया, 131, 132, 133। हम सबसे पहले गए 131 में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्या पावर है, क्या वो ऐसा कोई सर्च कर सकते हैं, कर सकते हैं तो क्या पावर रखते हैं, इस सर्च के दौरान क्या पावर रखते हैं, सर्वे के दौरान क्या पावर रखते हैं, और इन पावर्स को समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको सेक्शन 131-1, 131-2, 131-3 तीनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आकर के बात कर लेते हैं हम लोग 131 पावर टू इश्यू समन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्या पावर है। ये एक ऐसा पावर है जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डिस्कवरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है किसी भी व्यक्ति के बारे में। कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और इस इंफॉर्मेशन को खंगालने के लिए उसको चाहिए पावर। अब ये पावर 131 का क्यों यूज होता है, हो सकता है उसके ऊपर कोई असेसमेंट पेंडिंग ना हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होता है कि इस आदमी के अंदर, इस आदमी के पास कई इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग हो सकता है, जिसके लिए हमें इसको डिस्कवर या इंस्पेक्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले बात आती है 131-1 पावर टू समन। समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है उसको एक नोटिस भेजना और पर्सनल अटेंडेंस डिमांड करना, किसी व्यक्ति की पर्सनल अटेंडेंस डिमांड करना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने एक बहुत फेमस केस सुना होगा इनकम टैक्स के रेड का, हसन अली केस। हसन अली केस में स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट थी कि आ करके पर्सनली अटेंड करे, राइट। एट द सेम टाइम कुछ और सेलिब्रिटीज के भी अगर मैं आपको केसेस बताऊं, तो आपको एक सलमान खान सर दिख जाएंगे जिसके पास समन इशू किया गया था कि आपको पर्सनली आकर के क्या करना है, अटेंड करना है। समन कब इशू होता है, जनरली देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक पावर है कि आप नहीं तो आपका रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार इनकम टैक्स अथॉरिटी अपना पावर यूज करती है और पर्सनल अटेंडेंस डिमांड करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, हो सकता है वो मैटर को घुमा दे या मैटर को घुमा रहा है, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, समन इशू कर सकते हैं। आइए ये एक पावर देखते हैं। समन का पावर टेक्निकली कोर्ट के पास का पावर होता है, और ये कोर्ट का पावर उनने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि कोर्ट में इतने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग थे। अगर किसी को इन्वेस्टिगेट करना है, किसी के बारे में डिस्कवरी करना है, हम बार बार कोर्ट में जाते थे, क्या पता उस टाइम पे कोर्ट क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा हो। ये पावर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे दिया गया और कहा कि आप चार
पावर यूज कर सकते हैं, आपको बार बार कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, हम आपको बाय डिफॉल्ट ये पावर दे रहे हैं, और ये वो पावर्स है जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं। आइए ध्यान से सुनते हैं। अथॉरिटी एम्पावर्ड, कौन कौन ये कर सकता है? पहला असेसिंग ऑफिसर, डीसी, जेसी, सीसीआईटी या डीआरपी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, हैव द पावर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट, हैव द पावर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? सिविल कोर्ट के पास जितने पावर है उतने पावर इन लोगों को दे दिए गए हैं। और आगे की बात करते हैं, वाइल डीलिंग विद द मैटर पावर इंक्लूड, कौन कौन से पावर इंक्लूड करके रखा है? पहला किया है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की, किसी भी चीज के अंदर में डिस्कवर करना, कोई मैटर के बारे में ढूंढ के निकालना, इन्वेस्टिगेट करना या इंस्पेक्शन करना, राइट? अब कई बड़े केसेस होते हैं, जैसे कि कहीं ब्लास्ट हो गया या कई कई बार कहीं कोई बहुत हीरियस क्राइम हुआ है, ऐसे केसेस में क्या करते हैं कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं ये पर्सनली जाते हैं उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कई बार, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, देश का एक बहुचर्चित केस था निर्भया। निर्भया के अंदर में स्पेसिफिकली कोर्ट के जो जज थे, सिंस निर्भया कोर्ट में नहीं आ सकती थी, तो इस केस में डायरेक्टली वहां जाकर के डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया और फिर मामले को आगे बढ़ाया गया। सो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन एक पावर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कहीं पे कोई अमाउंट रखी हुई है, बुलियन रखा है, ज्वेलरी रखा है या कोई ऐसा स्पेसिफिक बेनामी प्रॉपर्टी रखी है, तो उस जगह जाकर के डिस्कवरी कर सकते हैं या इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड है इशुइंग कमीशंस। इशुइंग कमीशंस का मतलब क्या होता है? इशुइंग कमीशंस का मतलब होता है एक ऑर्डर इशू करना और एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करना। हाँ, इशुइंग कमीशंस का मतलब क्या होता है? एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करना। कई बार ऐसा होता है कि कई चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वन ऑफ द क्लाइंट जिसके ऊपर क्या हुआ, रेड हुई, रेड होकर के क्या हुआ, इसका सारा डेटा एक कंप्यूटर के अंदर में था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास ना इतना टाइम था ना इतनी एनर्जी थी कि वो इस कंप्यूटर को खंगाले और इन्फॉर्मेशन करे। ऐसे केस में क्या किया जाता है, एक कंपनी को ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है बाय ऑर्डरिंग एंड इशुइंग कमीशन। तो एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लेते और उसको दे देते, बोलते आप क्या करो हमें डिटेल्स निकाल करके दो, इशुइंग कमीशन इसमें से डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करके दो। क्या ऐसा कोई पावर है? बिल्कुल है, होता ही है। तीसरा है कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये ऑर्डर इशू किया जा सकता है ताकि उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इशूइंग क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट फोर्थ, enforcing attendance of any person including any officer of banking company and examine him on oath। word dekhiyega, bada zabardast word likha hai, enforcing the attendance of any person including any officer of banking company and examining him on oath। ये examining him on oath का मतलब क्या होता है? आपने कई बार कोर्ट के अंदर में देखोगा गीता कुरान या ऐसे ही कोई धार्मिक ग्रंथ रखे जाते हैं जिनके ऊपर हाथ रख के बोला जाता है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। examining him on oath ये कब होता है, मैं आपको बताऊं, जब रेड होती है तो घर के अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जगह इन्वेस्टिगेट किया जाता है और जो भी वो धर्म को मानते हैं उनका धर्म ग्रंथ सामने रखा जाता है और उन्हें स्वेयर लेने के लिए कहा जा रहा है कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। एग्जामिनिंग ऑन ओथ का मतलब एक और चीज होती है, क्योंकि जो आप स्टेटमेंट देंगे ये स्टेटमेंट आप फ्यूचर में बदल नहीं सकते अगर मैटर कहीं आगे जाता है किसी भी कोर्ट के अंदर में। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, व्हाट आर द पावर्स वेस्टेड बाय सिविल कोर्ट। सर मैं आपको इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं, हमारे पास किसके पावर है, आप सभी लोगों ने लूडो जरूर खेला होगा, हमारे पास डाइस का पावर है, 131 डाइस का पावर रख रहा है। व्हाट इज डी? डी इज डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, आई इज इशुइंग कमीशन, सी कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ई एनफोर्सिंग द अटेंडेंस। अगर आप देखेंगे डाइस का पावर है डी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, आई इशुइंग कमीशन, इशुइंग कमीशन का मतलब एक्सपर्ट अपॉइंट करना, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेल करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर एनफोर्सिंग अटेंडेंस, किसी की अटेंडेंस को मैंडेटरी किया जा सकता है। और समन का तो मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी अटेंडेंस को क्या करना, मैंडेटरी कर देना, इंक्लूडिंग कोई बैंकिंग ऑफिसर को एंड किसी और ऑफिसर को भी बोला जा सकता है, और इसे एग्जामिनिंग ऑन ओथ भी किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल, डाइस का पावर रखा गया है DICE, डिस्कवरी इशुइंग कमीशन, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड
अटेंडेंस। तो अगर हम आप अगर रजिस्टर में लिख रहे होंगे तो बहुत इजी शब्दों में मैं आपको बता देता हूं, यहां आप लिख सकते हैं किसका पावर है सर, डाइस का पावर है। 131(1) आपसे बात करता है डाइस की, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी भी चीज के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन निकालने का पावर है, किसी को बुला करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का पावर है। तो ये एक तरीका है जहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी क्लाइंट के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन निकालता है। दूसरा है पावर इन DTAA। ये सेक्शन क्यों लाया गया, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं आपको, सुनिए। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल टैक्स समझना जरूरी होगा, पर मैं वो आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, समझिएगा। सर कई बार ऐसा होता है कि इंडिया को दूसरी कंट्री के साथ क्या करना पड़ता है, अग्रीमेंट करना पड़ता है, और इस अग्रीमेंट को हम कहते हैं DTAA, राइट। अगर सामने वाली कोई कंट्री है, अगर सामने वाली कोई कंट्री है तो इस कंट्री के साथ आपको अग्रीमेंट्स करना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेक्शन 90 जब आप इंटरनेशनल टैक्स पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली टॉपिक DTAA, तो वहां पे सेक्शन 90 के अंदर में एक पावर है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया में थे और इंडिया से टैक्स चोरी करके बाहर चले गए, कुछ एग्जाम्पल नीरव मोदी, विजय माल्या, राइट। ऐसे लोग जो बाहर चले गए, कहां टैक्स चोरी करके आउट ऑफ इंडिया चले गए। अब ऐसे लोगों से टैक्स रिकवरी कैसे पॉसिबल हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई लोग इंडिया में ही हैं लेकिन इनका पैसा आउट ऑफ इंडिया है, फॉर एग्जांपल स्विस बैंक अकाउंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा इंडिया में कि उनके कोई अकाउंट है या नहीं है। ऐसे टाइम पे DTAA एक अग्रीमेंट होता है, अगर सामने वाली कोई कंट्री है इनके साथ DTAA अग्रीमेंट साइन किया जाता है। मान लीजिए कई बार कंट्री के जगह स्पेसिफाइड टेरिटरी होती है। अभी स्पेसिफाइड टेरिटरी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अभी स्पेसिफाइड टेरिटरी का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड टेरिटरी का मतलब ये है कि स्पेसिफिकली कोई कंट्री नहीं है बट दे आर गवर्न्ड एज सच। जैसे कि अगर आप रीसेंट इश्यू देखेंगे तो हांगकांग इज वन ऑफ सच एरिया। हांगकांग एक्चुअली एज ऑफ नाउ किसके अंडर में वर्क कर रहा है, चाइना के अंडर में वर्क कर रहा है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे न्यूज के अंदर ये बहुत ज्यादा बना हुआ भी है, क्योंकि हांगकांग के लोग डिमांड कर रहे हैं अपनी खुद की गवर्नमेंट का और वो चाइना से गवर्न नहीं होना चाहते, राइट। अब ऐसे केसेस में जहां पे वो कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है बट दे आर गवर्न बाय यू नो सम ऑफ द अनादर कंट्री, या वहां पे कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कई छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, ऐसे केसेस में हम इन्हें कहते हैं स्पेसिफाइड टेरिटरी, राइट। अगर कोई कंट्री अग्रीमेंट करने के लिए मानती है तब तो ठीक है, अगर नहीं मानती तो मैं आपको इंटरनेशनल टैक्स में भी बताऊंगा कि ऐसे लोगों के साथ एक और अग्रीमेंट हो सकता है, टिया, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको, टिया, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट। तो बहुत सिंपल है, अगर सामने वाली कंट्री ईमानदारी से DTAA एक्सचेंज करना चाहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम DTAA अग्रीमेंट एंटर करेंगे। आप DTAA एंटर करके भी क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर कोई कंट्री DTAA में एंटर नहीं होना चाहती स्टिल इंफॉर्मेशन तो एक्सचेंज की जा सकती है, उसके लिए एक अग्रीमेंट साइन होता है जिसे हम कहते हैं टिया, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट। अब इसके तहत या तो DTAA होगा या तो टिया होगा। इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सामने वाली गवर्नमेंट या स्पेसिफाइड टेरिटरी से क्या मांग सकती है, इंफॉर्मेशन मांग सकती है किसी भी व्यक्ति या अकाउंट होल्डर के बारे में। आपने सेक्शन 139 के अंदर में पढ़ा था, अ पर्सन हैविंग असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया वो रिटर्न भरेगा। मान लीजिए असेसमेंट के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान आपको पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति का अकाउंट या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, राइट। आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो कैसे करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, उनको एक नोटिस देगा और बोलेगा कि आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। अब लॉजिकली सोचिए, इंडियन गवर्नमेंट एक्सचेंज करेगा, इंडियन गवर्नमेंट मतलब कौन, इस बात का क्लैरिफिकेशन तो होना जरूरी था कि इंडियन गवर्नमेंट करेगा मतलब इंडियन गवर्नमेंट मतलब कौन, नरेंद्र मोदी साहब क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन मांगेंगे, या राहुल गांधी साहब इंफॉर्मेशन मांगेंगे, या उधर ईस्ट से दीदी इंफॉर्मेशन मांगेगी, या दिल्ली से मफलर वाले बाबा इंफॉर्मेशन मांगेंगे, इंफॉर्मेशन मांगेगा मतलब कौन इंफॉर्मेशन मांगेगा, ये चीज एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था। और इसी चीज का एक्सप्लेनेशन आया 131 सबसेक्शन 2 के अंदर में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे देगा, क्या दे देगा, पावर दे देगा, किसको दे देगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, नॉट बिलो AC।
इनकम टैक्स अथॉरिटी को वो क्या करेगा, पावर दे देगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या मांगेंगे, इंफॉर्मेशन मांगेंगे। और ऐसा एक सेक्शन लाना जरूरी था और इसे इंसर्ट किया गया 131 सबसेक्शन 2 के अंदर में। तो 131 सबसेक्शन 2 कहता है, 131 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, कहां इंफॉर्मेशन मांगेंगे, अंडर सेक्शन 90 या 90A या टीआ के अंदर में। 90 या 90A बात करता है डीटीडब्ल्यूए की, या टीआ के तहत कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, सो ऑफिसर हु हैज बीन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बिलो एसी। अब आपको अथॉरिटी याद होनी चाहिए, सीबीडीटी, सीसीआईटी, सीआईटी, जेसी, एसीडीसी, एओ। So, एसी से नीचे वाला ऑफिसर नहीं मांग सकता, एसी से ऊपर वाला ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है अंडर डीटीडब्ल्यूए और टीआईईए, टीआ। ये इंफॉर्मेशन का क्या करेगा, यूज होगी फॉर द पर्पज ऑफ रेड। रेड ऐसे ही इनिशिएट नहीं होती, ये पावर्स के तहत पहले क्या की जाती है, डिस्कवरी की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर उस आदमी के ऊपर रेड माननी है तो उसके पहले उसके लिए सबूत इकट्ठे करने बहुत जरूरी होते हैं। पहला सबूत 131(1) के तहत कलेक्ट होता है, आउट ऑफ इंडिया के सबूत 131(2) के तहत कलेक्ट होते हैं, इंडिया के सबूत 131(1) के तहत कलेक्ट होते हैं, आउट ऑफ इंडिया के सबूत 131(2) के तहत कलेक्ट होते हैं। और 131(2) के तहत नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी क्या करता है, इंफॉर्मेशन मांगता है, और ये इंफॉर्मेशन जो वो मांग रहता है ट्रीट की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो सेक्शन को एक बार ध्यान से देखिएगा, 131 सबसेक्शन 2 क्या करता है, ये तरह की इंफॉर्मेशन मांगता है, राइट। ये इंफॉर्मेशन किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन सर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके रिलेटेड इनकम की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उससे रिलेटेड असेसी की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके बैंक अकाउंट्स की हो सकती है, या किसी भी अदर तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो इंडियन इंफॉर्मेशन 131(1), फॉरेन से इंफॉर्मेशन 131(2) के तहत क्या की जा सकती है, मांगी जा सकती है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, इंपाउंडिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, वो कंफ्यूज होता है 131(3) के अंदर में और 133 के अंदर में। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन वाला मैटर क्या होगा बच्चों को, कंफ्यूजन वाला मैटर होगा 131(3) और 133 के तहत, यहां कंफ्यूजन होगा उसको। पर ये कंफ्यूजन को मैं हर बार के लिए दूर कर देता हूं। कंफ्यूजन को हर बार के लिए कैसे दूर कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब 131(1) होता है, प्रैक्टिकली ऑफिस का समझा रहा हूं, ठीक है। जब 131(1) होता है, 131(1) के तहत उसको क्या किया जाता है, समन किया जाता है कि आपको पर्टिकुलरली फिजिकली अटेंडेंस देना है यहाँ पे, या फिर जब असेसमेंट होता है तो असेसमेंट के तहत, या कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो इंफॉर्मेशन के तहत क्या किया जाता है, असेसी को विथ इंफॉर्मेशन बुलाया जाता है। जब डिपार्टमेंट में विथ इंफॉर्मेशन आता है, असेसी से ये इंफॉर्मेशन चेक की जाती है। ये इंफॉर्मेशन अगर एओ को या जो ऑफिसर है उसको ऐसा लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन उसके फर्दर इंक्वायरी के लिए काम आने वाली है, तो ये जो इंफॉर्मेशन सामने वाला असेसी लेके आया है, इसे तुरंत इंपाउंड कर लिया जाता है। तुरंत क्या कर लिया जाता है, अपने ताबे में ले लिया जाता है, तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे अपने पास रख लेता है, और ये पावर होता है 131 सबसेक्शन 3 का। मतलब असेसी जो इंफॉर्मेशन लेके आया है, अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन उनके काम की है या उनके फर्दर प्रोसेसिंग के काम की है, तो वो यहीं के यहीं उसे क्या कर लेंगे, इंपाउंड कर लेंगे। सर इस इंपाउंडिंग में और सर्वे में जो इंपाउंडिंग होता है उसमें क्या फर्क है, मैं आपको समझाता हूं। 133 में जो आप इंपाउंडिंग करते हैं वो बिजनेस प्रिमाइसेस पे जाके करते हैं, ये बिजनेस प्रिमाइसेस पे किया जाने वाला इंपाउंडिंग नहीं है, और यही है इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फर्क। किसको आज समझ आया जल्दी से बताइए, किसे आज समझ आया। 131(3) के अंदर में जो इंपाउंडिंग होगा, जब असेसी आएगा वो कोई इंफॉर्मेशन लेके आएगा, वो इंपाउंडिंग की जाती है 131(3) के तहत। यहां खुद होके अगर इंफॉर्मेशन लाया है बहुत अच्छी बात है, कई बार वो इंफॉर्मेशन खुद होके नहीं देता, ऐसे केस में हमें उसके बिजनेस प्रमाइसेस पे विजिट करना पड़ता है, और ये जो पावर है ये कवर है 133 में। सो मेरा बच्चा आई होप सब आपको क्लियर हो गया होगा, खुद लेके आया इंपाउंड कर लो 131 सबसेक्शन 3, उसके बिजनेस प्रमाइसेस पे जाके इंपाउंडिंग हुआ 133, ये बात आप याद रखें। मैं सबसेक्शन स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं, जब हम वहां जाएंगे तब हम उस स्पेसिफिक सबसेक्शंस की बात करेंगे। 133 मोटा मोटी याद कर लो, किसको आज समझ आया जल्दी से बताओ। एवरीबॉडी डन, ये आज समझा, बहुत बढ़िया।
सो 1 2 3 स्टार्ट। 131 को तीन पार्ट में हमने तोड़ना है। 131 खत्म हो रहा है यहाँ पे, 131 को तीन पार्ट में हमने तोड़ना है। एवरीबॉडी जल्दी बताओ, 131 तीन पार्ट में टूटेगा, 131 तीन पार्ट के अंदर टूटेगा। कौन सा वन से तीन पार्ट है? 131 पावर ऑफ समन, 131 2 इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन, 131 3 इंपाउंडिंग व्हेन असेसी कम्स विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। असेसी कम्स विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो जब असेसी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर के आए या कोई अदर रीजन लेकर के आया तो उसे क्या किया जाता है? इंपाउंड कर लिया जाता है। अब मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जब 131(3) में इंपाउंड किया जाता है कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या रीजन रिकॉर्ड करना जरूरी है कि इस रीजन के वजह से हम इसे इंपाउंड कर रहे हैं? आंसर इज यस। जो आप ऑर्डर निकलता है उस ऑर्डर के अंदर में रीजन लिखा होता है कि हम इसे क्यों इंपाउंड कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है उसमें रीजन लिखा होता है, दिस इंफॉर्मेशन वॉज नॉट प्रिसाइजली अवेलेबल एंड हेंस दिस आर बींग इंपाउंडेड, राइट। दूसरा इंफॉर्मेशन ये होता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ पे आता हूं, इंपाउंड करने का पावर है। आजकल तो सारी इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, मैक्सिमम केस में ऑनलाइन मेंटेन की जाती है, तो हम बस उसकी एक कॉपी ले लेते और ओरिजिनल कॉपी उसको दे देते। ये होता है प्रैक्टिकली। बट आज भी जो बिल्स होते हैं या अदर चीजें होती है, ये तो कायम मेंटेन की जाती है फिजिकली। अब ऐसे केसेस में अगर मान लीजिए हमें उसके बिल एनालाइज करना है, तो उस केस में क्या किया जाता है, ये इंपाउंड कर लेते हैं उसके सारे बिल्स, मे भी बाद में उसको जेरोक्स क्या करने दे दिया जाता है। सर मुझे बताइए इंपाउंडिंग कितने दिन के लिए पॉसिबल है? जनरल इंपाउंडिंग कहीं पे भी इनकम टैक्स में 15 दिन विदाउट एनी अप्रूवल कवर्ड है। मतलब अगर आप 15 दिन तक के इंपाउंड करके रखना चाहते हैं, तो 15 दिन तक के आप क्या कीजिए, इंपाउंड करके रख लीजिए। और 15 दिन के ऊपर अगर आपको इंपाउंड करके रखना है, तो आपको हायर अथॉरिटी से क्या लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी। So 131 सबसेक्शन 3 में दो बातें याद रखेंगे, इंपाउंड अगर कर रहे हो तो रीजन रिकॉर्ड करके रखना, इंपाउंड अगर कर रहे हो तो क्या करके रखना, रीजन रिकॉर्ड करके रखना, रीजन रिकॉर्ड करके रखना, प्लस मैक्सिमम कितने दिन इंपाउंड करना, 15 डेज। 15 डेज कैसा, विदाउट अप्रूवल, मैक्सिमम 15 डेज विदाउट अप्रूवल। और इंस्टीट्यूट ने एक बार आपको ये क्वेश्चन पूछा है, इंस्टीट्यूट ने एक बार आपको ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा जी, अब एक और सवाल आया, मैं आपको बताता हूं। जब 131(3) के अंदर में वो इंफॉर्मेशन लेकर के आया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर के आया, तो एक केस में ऐसा हुआ था कि सामने वाले एओ ने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो इंपाउंड किया ही किया, अदर इंफॉर्मेशन भी इंपाउंड कर लिया। अदर इंफॉर्मेशन मतलब लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड ऑल, ये हो गई अदर इंफॉर्मेशन विच इज जनरली नॉट पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि आप उसका फाइनल बैलेंस लेते हो। तो जितना साल भर में आपके डेटर्स क्रेडिटर्स लेनदार देनदार सबकी डिटेल्स लेकर के वो आया था। अब ऐसे केसेस में सवाल उठा कि क्या अदर इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है? क्या एओ ने सारी इंफॉर्मेशन रख दी? असेसी इसके खिलाफ गया डिपार्टमेंट में हायर अथॉरिटीज के पास, कहा 131 के अंदर में तो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते थे, अदर इंफॉर्मेशन का मैटर कहां से आया? डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और ऐसे केस में सूटेबली अमेंड किया गया 131 सबसेक्शन 3। कहा गया ना सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके साथ साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी क्या कर दिए जाएंगे, रख सकते हैं। तो अब ये सेक्शन का जो स्कोप हो गया, ये बहुत वाइड हो गया, क्योंकि अब हम सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे, अब हम अदर डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर रहे हैं जो क्या कर सकते हैं, इंपाउंड कर सकते हैं। तो सेक्शन को एक बार वापस से देख लीजिए फटाफट। अच्छा जी सर, इसके बाद एक और चीज हुई, इसके बाद एक और चीज हुई सर। 131 समन की बात करता है, समन DICE। 131(2) फॉरेन से इंफॉर्मेशन लेना है, ले सकते हो। कौन लेगा? कोई भी ऑफिसर ले सकता है जिसको ऑथराइज किया है, नॉट बिलो AC ये इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है, ये मान लिया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा, इंपाउंड किया जा सकता है। ये इंपाउंडिंग कब होता है? जब खुद होके असेसी आया है, नॉट एट बिजनेस प्रिमाइसेस। ये इंपाउंडिंग जो हो रहा है, ये बिजनेस प्रिमाइसेस पे इंपाउंडिंग नहीं है, ये याद रखिएगा। और यही एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। 131 सबको समझ में आया? बोलो हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए सर, मान लीजिए अगर इनमें से कहीं पर डिफॉल्ट हो जाता है तो पेनल्टी,
मैं पेनल्टी टॉपिक भी आपको यही यही करवा रहा हूं, मैं पेनल्टी अलग से नहीं करवाता, और ये मैं रेगुलर लेक्चर में भी अलग से नहीं करवाता, मैं यही करवाता हूं। पेनल्टी दी है सेक्शन 272A 1C के अंदर में। अगर 131 के अंदर में कोई भी डिफॉल्ट होता है तो जो आपको पेनल्टी लगती है इस 10,000 फॉर ईच फेलियर। वर्ड ध्यान से सुनिएगा, पेनल्टी कितनी लगती है, पेनल्टी इज 10,000 फॉर ईच फेलियर। सो अगर 131 के अंदर में कभी भी डिफॉल्ट होता है द पेनल्टी इज पेनल्टी 10,000 फॉर ईच सच फेलियर। 10,000 ईच सच फेलियर की पेनल्टी है यहाँ पे अगर आप 131 के अंदर डिफॉल्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ रजिस्टर के अंदर में लिख रहे हैं 131, तो यहाँ पे पेनल्टी भी ऐड कर दीजिए इस 10,000 फॉर ईच सच फेलियर। पेनल्टी इज 10,000 फॉर ईच सच फेलियर। डन सर, ओके। प्रैक्टिकली 131 के बाद आइए ऊपर, सर्च एंड सीजर। सबसे पहले 131 की बात होती है, हमने 131 कर दिया खत्म। अब हम जा रहे हैं 133 पे। जी हाँ, क्रोनोलॉजिकली भी आप 131 के बाद 132 पे मत जाइए, आप जाइए 133 के ऊपर। 133 पे जाना इसलिए लॉजिकल है क्योंकि 133 आपको बात करता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। अब तक जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, अगर आप देखें 131 के अंदर में सिर्फ क्या था, पावर था। 131 के अंदर में उसको सिविल कोर्ट के पावर दे दिए थे। तो अब अगर आप कहीं इंफॉर्मेशन मांगने जाते हैं, सामने वाला बोलेगा चलो वारंट दिखाओ, आप ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, थोड़ा बहुत कानून तो मेरे को भी मालूम है, खींच के मारना, बोलना 131 जाकर के देख हमको पावर मिल गए, कोई सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास पावर है। ये इसलिए लाया गया है क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई बार आप जब इंफॉर्मेशन मांगने जाते थे, सामने वाला को थोड़ा बहुत नॉलेज था या टीवी पे देखा होता था, वो बोलता था पहले वारंट लेके आइए फिर इंफॉर्मेशन दूंगा। अब आप खींच के मारेंगे एज ए एओ, बोलेंगे पहले इंफॉर्मेशन दे, हम खुद सिविल कोर्ट है। ऐसा किसने कहा? सेक्शन 131 ने। सो 131 में हम लोगों ने बात कर ली पावर्स की। इसके बाद जब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए 133 पे। तो इस सेक्शन का इतना मस्त जिस्ट बैठेगा, मैं आपको क्या बताऊं। आइए चलते हैं 133 के ऊपर। मेरे साथ सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब आप बात करते हैं 133 की, जब आप बात करते हैं 133 की, तो सबसे पहले आता है 133, जिसे हम कहते हैं पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन। फिर आता है 133B, जिसे हम कहते हैं पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सेक्शन बड़े ध्यान से सुनना, पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। फिर आता है 133C, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी। फिर आता है 133A सर्वे। इफ इट इज डन,
133 इस पार्ट में डिवाइडेड है। और जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर चालू करने से पहले ही बोला, ये चैप्टर में मजा इतना आएगा, बस आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए किसके बाद क्या पढ़ना है, ठीक है। 131 के अंदर हमारे पास पावर ले लिया, अब हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन। रेड मारने से पहले उस बारे में सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है, उस बारे में सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मानहानि का दावा आ जाएगा, ठीक है। 133 को हम लोग डिवाइड करते हैं 133, 133 ए, 133 बी, 133 सी, यानी टेक्निकली चार पार्ट पे। पर इसको पढ़ने का सबसे सही तरीका, 133 के बाद 133 ए मत पढ़िए, आप पढ़िए इस सीक्वेंस में ही। आप इस सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। और पूरे चैप्टर का गेम जो है ना मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ काहे के ऊपर है आपको पता है? इस इंफॉर्मेशन के सीक्वेंस के ऊपर। 133 के तहत क्या किया जाता है, इसको हम ऑडिट के शब्दों में कहते हैं क्वेश्चनेयर। हाँ, इसको हम कहते हैं ऑडिट के शब्दों में क्वेश्चनेयर। 133 के तहत क्या होता है, आपने अगर अपने ऑफिसेज में देखा होगा तो 133 के तहत क्या किया जाता है, 133 का एक नोटिस आता है। अगर 133 का नोटिस आता है तो हमारे बॉस को देखेगा, वो एकदम तुरंत तिलमिला जाता है और वो तुरंत क्लाइंट को बुलाता है या क्लाइंट के पास जाता है और उससे सारी फटाफट इंफॉर्मेशन जो काम की है उसको अलग करता है, सिलेक्टिवली डिवाइड करता है। जो इंफॉर्मेशन काम की नहीं है वो उसको बोलता है एक काम कर बिंदास जला, जल्दी से जला दे, राइट। देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये भले ही रिविजन सेशन है पर मैं आपको ये प्रैक्टिकल पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको याद रह जाए। और ये वो टॉपिक है ना जिसको तुम सिर्फ रट्टोफाई कर लोगे ना तो मेरे भाई काम नहीं होने वाला। और फाइनल में ना एक ही चीज जरूरी होती है, वो होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। देख, इट इज टोटली इररिलेवेंट कि तू ये सेक्शन के नंबर याद रखेगा या नहीं रखेगा, ठीक है। सेक्शन के नंबर याद रखना या इसके सब सेक्शन गलत कर दिया तूने, डजंट मैटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात समझ, एग्जामिनर का फोकस ना ज्यादा इसके ऊपर होगा कि तूने सेक्शन लिखा या नहीं लिखा, उससे ज्यादा होगा कि तूने आंसर सही किया या नहीं किया। ये मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि वो सेक्शंस के ऊपर इतना ध्यान देने जाए तो आपको इंस्टीट्यूट क्लियर कट लिख के देता, ऑल्सो रिकॉल द सेक्शन। एंड देर आर मोर देन 758 सेक्शन मेरे भाई। लोग कहते हैं 298 सेक्शन, बिल्कुल सही है, एज पर एमसीक्यू 758 है। मैं कहता हूं गिने हैं साहब, क्यों 80C, 80CCC, 80CCC, 80D, 80E, 80EE, इन सबको आपने नंबर्स में कहाँ काउंट किया, आपने सिर्फ 80 काउंट किया। ऐसे देखोगे तो 298 होता है, ऐसे देखोगे तो 758 होता है प्रिसाइजली। समझ में आ रही है बात? सो इतने सेक्शंस याद मत रखना, सब सेक्शंस नहीं याद आ रहे, इट्स ओके। यू नो आपकी बुक के अंदर में एक हाथ आगे पीछे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुटाइल एक्टिविटी में जाओ ही मत, आपको जाना है कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये बात हमेशा याद रखना, राइट। चलो वर्ड पे ध्यान देते हैं हम लोग फटाफट। अच्छा ऐसा हो रहा है कि मेरे टी शर्ट का कलर बैकग्राउंड से मैच कर रहा है तो थोड़ा सा यू नो लाइटिंग इफेक्ट आ रहा होगा, बट आई एम श्योर इससे आपके रिविजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। चलो ध्यान से सुनते हैं। 133 जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनेयर, आप चाहें तो इसके नीचे लिख के रख दे क्वेश्चनेयर। अब ये क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। यहां पे डिपार्टमेंट क्या करता है आपको पता है? द असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील्स। हाँ, द असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील्स क्या करता है आपको, आपको एक क्वेश्चनेयर बना करके दे देता है। आपको 133 में फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, नो फिजिकल प्रेजेंस, नो फिजिकल प्रेजेंस। 133 के अंदर में आपको कहीं पे भी फिजिकल प्रेजेंस में जाने की जरूरत नहीं होती। आपको एक क्वेश्चनेयर भेज दिया जाता है और इस क्वेश्चनेयर के जवाब आपको देने होते हैं उतने टाइम के अंदर जितना नोटिस के अंदर में लिखा होता है। हर पर्सन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। जब बैरक्ट में ये सेक्शन खोल करके देखोगे तो उसके बारे में आपको लिखा होगा किसी पर्सन की डिटेल, एचयूएफ से किसी मेंबर की डिटेल पूछी जाती है। इन शॉर्ट उसका और उससे रिलेटेड हर पर्सन का पूछ लिया जाता है। किसी पार्टनर से उसके फर्म की डिटेल पूछ लेंगे, उसके पार्टनर की डिटेल पूछ लेंगे, किसी भी व्यक्ति जो यू नो टैक्स डिडक्ट कर रहा है, सामने वाले जो डिडक्टर डिडक्टी है उसकी इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे। सो आपसे रिलेटेड जितने भी पर्सन होंगे इनको हर चीज को वो क्या कर देते हैं, क्वेश्चन में डाल करके पूछ देते हैं, राइट। और इसी चीज को हम कहते हैं क्वेश्चनेयर बेस्ड डिस्कशन, राइट। 133 के अंदर में फिजिकल प्रेजेंस में आपको जाना जरूरी नहीं होता। एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा इसके अंदर में कौन यूज होते हैं, ब्रोकर्स। कई बार ऐसा होता है कि आप जब शेयर ट्रेडिंग करते हो तो शेयर ट्रेडिंग के मामलों में आपके इसमें दिख जाता है कोई शेयर ट्रेडिंग हुई है पर आपने इसके रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं करके रखे हैं, राइट। क्योंकि कई लोग होते हैं वो ऑप्ट कर लेते हैं ईमेल के ऊपर मेरा सिक्योरिटी नोट आना चाहिए, ऐसे केस में वो क्या करते हैं सीधा जो ब्रोकर रहेगा उसी को नोटिस भेज देते हैं और उसको बोलते हैं इस आदमी ने जितना ट्रेड किया है इस सब की ट्रेडिंग निकाल करके दो,
आपको पता होगा आप ईयर एंड के अंदर में क्या करते हैं, क्लाइंट से मंगाते हैं तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ला करके दे। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिटेल मंगा लेते हैं कि भैया इसको कितना क्या हुआ है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें से कलेक्ट की जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे राइट, किसी भी पर्सन को क्या किया गया, कोई इंक्वायरी पेंडिंग हो या ना हो आपसे इंफॉर्मेशन मंगा ली जाती है, जिसमें स्पेसिफिकली कौन कलेक्ट होता है, बैंकिंग कंपनी या और कोई ऑफिसर है। अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मंगानी होगी तो आप क्या कर लेते हो, ये इंफॉर्मेशन कॉल कर लेते हो। टेक्निकली हम इसको अलग शब्दों में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी कहते हैं। तो उस व्यक्ति से रिलेटेड क्या किया जाता है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मंगा लिए जाते हैं, चाहे वो बैंक ऑफिसर हो, कोई इंक्वायरी में हो ना हो, इन सब की इंफॉर्मेशन क्या कर ली जाती है, कॉल कर ली जाती है राइट। अच्छा जी, एक और चीज सर, अगर इसके तहत कोई इंफॉर्मेशन आपको मंगानी है और केस इंक्वायरी कोई पेंडिंग नहीं है, तो ऐसे केसेस में इंफॉर्मेशन तभी मंगाई जा सकती है जब आप क्या कर ले, किसी कमिश्नर का अप्रूवल ले ले, जब आप क्या कर ले, किसी कमिश्नर का अप्रूवल ले ले, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा जी सर, याद होगा तो DTAA के केस मैंने आपको बताए थे 131 सबसेक्शन 2, हाँ या ना राइट। सो क्या 133 के तहत ये क्वेश्चनेयर दे करके सामने वालों से भी इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है? आंसर इज यस। 131 सबसेक्शन 2 के अंदर में जो हम लोगों ने अदर कंट्री से DTAA और TIA किया था, जरूरी नहीं है हम फिजिकल प्रेजेंस मांगे, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें भी क्वेश्चनेयर दे सकते हैं, उन अथॉरिटीज को भी क्वेश्चनेयर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर किसी असेसी का फॉरन बैंक अकाउंट है और फॉरन बैंक अकाउंट के अंदर में हम लोग को क्या करना है, उस बैंक से इंफॉर्मेशन चाहिए, अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस सेक्शन का यूज करेंगे 133 का, और उनसे एक क्वेश्चनर भेज देंगे साल भर में कितने डिपॉजिट हुए, क्रेडिट्स कितने हुए, क्रेडिट किस अकाउंट में हुए, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन का एक क्वेश्चनर बना करके बुला लेंगे, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज 133। जस्ट अ मिनट, मैं इससे कनेक्टेड सेक्शन ढूंढ रहा हूं। इसी से एक कनेक्टेड सेक्शन है 134, ध्यान से सुनिएगा, पावर टू इंस्पेक्ट कंपनी रजिस्टर। आपको एक जनरल रूल पता होगा जो कंपनीज एक्ट के अंदर में भी हम लोग पढ़ते हैं, और वो सेक्शन होता है दैट कंपनीज के जो रजिस्टर होते हैं वो कोई भी मेंबर होल्ड चेक कर सकता है, डिबेंचर होल्डर चेक कर सकता है, या फिर मॉर्गेजी क्या कर सकता है, रजिस्टर चेक कर सकता है। लेकिन ये एक पावर एक्सटेंड किया है सेक्शन 134 ऑफ द इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी कंपनी के इंफॉर्मेशन सर्च करने हैं और वो ना मेंबर है, ना डिबेंचर होल्डर है, ना ही मॉर्गेजी है, तो ऐसे केस में पावर दिया गया है AO, DC, JC, CIT अपील्स अंडर सेक्शन 134 दैट एनी पर्सन सबॉर्डिनेट टू हिम मे इंस्पेक्ट एंड इफ नेसेसरी टेक कॉपी ऑफ एनी रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, मॉर्गेज रजिस्टर इन सच कंपनी। तो ये जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, इससे कनेक्टेड हो सकती है, हम वो कवर कर रहे हैं। अच्छा जी सर, अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं 133 और 133B के अंदर में। मैं आपको बता दूं क्या है, 133 और 133B दोनों भी पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन एंड पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन है, दोनों के बीच में फर्क समझिए। 133 से हम 133B की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। जनरली 133 कब यूज होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज बल्क। अगर इंफॉर्मेशन बल्क में है तो हम क्वेश्चनर बना लेते हैं, हम ऑडिट में भी यही करते हैं, इंफॉर्मेशन अगर बल्क में है तो हम सीधे फटाफट फटाफट क्वेश्चनर बना देते हैं, क्वेश्चनर की एक लिस्ट पकड़ा देते हैं सामने वाले को और उससे सारे इंफॉर्मेशन हम मांग लेते हैं, वी कॉल द इंफॉर्मेशन। 133B के अंदर वी विजिट टू टेक द इंफॉर्मेशन। 133B नाम याद रखने का, बिजनेस प्रिमाइसेस विजिट। यहां पे क्या किया जाता है जरा समझिएगा, यहां पे हम लोग विजिट करते हैं कहां, बिजनेस प्रिमाइसेस में। यहां पे हम लोग क्या करते हैं,
बिजनेस प्रमाइसेस के अंदर में विजिट करते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस प्रमाइसेस के अंदर में विजिट करते हैं फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन 133 और 133B में फर्क ये है, बल्क इंफॉर्मेशन 133, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए 133B, बल्क इंफॉर्मेशन 133, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन 133B के तहत कलेक्ट की जाती है। ये दो पार्ट आप लिख लीजिए सबसे पहले। अच्छा जी, अब ये इंफॉर्मेशन किससे ली जाती है, मैं आपको बताता हूं। ये जो पूरा सेक्शन बना हुआ है ना, ये जो पूरा सेक्शन बना हुआ है, ये एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। एक समय था जब इस सेक्शन के अंदर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था, लेकिन किससे कलेक्ट करना था इस बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर कहां जाते, दुकान में जाते, बिजनेस प्रमाइसेस पे जाते, जहां बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी आउट हो रहा है, वहां पे ओनर मिलता ही नहीं। माइट बी वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ना हो, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो क्या थी, लेट्स से कोई ब्रांच थी, ब्रांच के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने चले गए, वो कहता था इंफॉर्मेशन मालिक को पता है, हमको तो पता ही नहीं, वो कुछ बोलता ही नहीं था। ऐसे केसेस में सेक्शन के अंदर में सूटेबल अमेंडमेंट्स हुए। सेक्शन में कहा गया आप बिजनेस प्रमाइसेस को विजिट कर सकते हैं वेदर इट इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और नॉट। मतलब ये बिजनेस प्रमाइसेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो भी सकता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी हो सकता, जिसका मतलब यह है कि अगर आप कोई ब्रांच भी जाते हैं और ब्रांच से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, इस सेक्शन के तहत आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इस सेक्शन के तहत क्या कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन किससे लिया जा सकता है, सर इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोपराइटर से लिया जा सकता है या पर्सन देराट से लिया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है ये किसी प्रोपराइटर से ली जाए। सेक्शन बड़ा क्लियर कर देता है कि आप यहां पे किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी से भी का मतलब है यहां पे आप किसी प्रोपराइटर से ले सकते हैं, किसी एम्प्लॉय से ले सकते हैं, या किसी भी पर्सन से ले सकते हैं हु इज अटेंडिंग दैट प्रिमाइसेस एज सच। एट द सेम टाइम सामने वाले के ऊपर भी एक करस्पॉन्डिंग ड्यूटी डाल देता है सेक्शन कि अगर कोई आता है तो उसको हेल्प करनी पड़ेगी इस इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करने के लिए। दो बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, 133B के अंदर आप सिर्फ बिजनेस प्रमाइसेस विजिट करेंगे, होम विजिट करने का पावर आपको नहीं है, सिर्फ बिजनेस प्रमाइसेस विजिट करेंगे, होम विजिट करने का पावर नहीं है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आता है, आप बिजनेस प्रमाइसेस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी हेल्प कर दे, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो सकती है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी हो सकती, वहां पे प्रोपराइटर से ले सकते हो या कोई भी पर्सन वहां पे हो, अवेलेबल हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय ना हो, आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूं, कौन सा टाइम जाएंगे इंफॉर्मेशन लेने, आप बताइए कौन सा टाइम जाएंगे इंफॉर्मेशन लेने, कोई भी टाइम चले जाए इंफॉर्मेशन लेने। मान लीजिए रात में 2 बजे जा रहे हैं, 2 बजे दुकान का शटर बंद है, हम जाकर के बोलते हैं, ओनर बाहर ही बैठा है अपने दोस्तों से बातें कर रहा है, हम बोलते हैं चल एक काम कर शॉप ओपन कर, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। शॉप ओनर, नहीं नहीं साहब आप रात के 2 बजे आ रहे हैं, क्या है रात के 2 बजे आप क्यों उठ के आ गए। डिपार्टमेंट वाला बोलता फालतू की बातें मत करना, मेरे को 131 के तहत पावर मिला है, पावर टू डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, मैं कुछ भी कर सकता हूं, यम है हम, आगे बोलो। ये बोलेगा अरे तुम पागल हो गए हो क्या, बिजनेस में इंफॉर्मेशन लेने आ रहे हो, बिजनेस जब ओपन रहेगा तब आओ, रात में आ गए हो, रात में तुम्हारी नींद भी खराब करोगे। अरे नींद का खराब करना क्या है, तुम दोस्तों के साथ वैसे ही गप मार रहे हो, हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे, तुम बातें करते रहना हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे, क्या ऐसा चल सकता है। आंसर इज नो, कोई भी टाइम पे आप विजिट नहीं कर सकते। सेक्शन बड़ा क्लियर है, सेक्शन बोलता है ओनली एट बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स का मतलब क्या, वेन इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वेन इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ओपन है इस टाइम पे फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो आप जा सकते हैं। लेट से अगर कोई बार है और बार रात के 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक चल रहा है, 2 बजे आप ऐसी जगह पे जाते हैं, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आंसर इज यस, क्योंकि दैट टाइम इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दैट टाइम इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एक और चीज आपको याद रखनी है, आप यहां पे सिर्फ सिर्फ
और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हैं, यहां कोई इंपाउंडिंग नहीं होगी, यहां कोई इंपाउंडिंग नहीं की जाएगी। मतलब 133 बी के अंदर में आप आओ, इंफॉर्मेशन लो, जाओ, आप किसी भी प्रकार का ना बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे, ना कोई कैश चेक करेंगे, ना कोई स्टॉक चेक करेंगे, कुछ नहीं होगा। आने का, इंफॉर्मेशन लेने का, चले जाने का, इंपाउंडिंग का पावर नहीं होता, इसीलिए देखा जाता है। तो 132, 133 बी जो होता है ये बहुत लिटिल सेक्शन होता है, बहुत छोटा सेक्शन होता है, और इसको बहुत ज्यादा पावर नहीं होता। हाँ, लेकिन वो आते हैं, सारी चीजें देखते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं, स्टॉक देखते हैं, क्लाइंट्स देखते हैं, कस्टमर देखते हैं और चले जाते हैं, राइट। ऐसा एक्टिविटी कई बार किया जाता है उस पर सर्च मारने से पहले, ये देखने के लिए कि इसका बिजनेस कितना वर्क कर रहा है, कितना ऑपरेट कर रहा है, राइट। अच्छा जी सर, सो हम 133 में गए, जहां पे क्वेश्चनेयर बना करके दिया हम लोगों ने, क्वेश्चनेयर बना करके इन्फॉर्मेशन मांगा, वहां से हम गए 133 बी के अंदर में, पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, विजिट करना है बिजनेस प्रमाइसेस, चाहे ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। किससे? प्रोप्राइटर से भी की जा सकती है, अदर एम्प्लॉय से भी की जा सकती है, तभी की जा सकती है व्हेन इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की ना इंपाउंडिंग होगी, ना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग 133 सी पे, धीरे से सरकते हैं बी से सी के ऊपर। पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन, प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी। कोई मुझे बता सकता है क्या है ये सेक्शन? बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। जल्दी बताइए क्या होता है। एनीवन, कोई तो बता दो क्या होता है 133 सी के अंदर में। बिल्कुल सही जवाब दिया कुछ लोगों ने। मैं आपको बताता हूं ये सेक्शन क्या होता है। 133 सी बड़ा ही इजी सेक्शन होता है। सेक्शन क्या करता है? इस सेक्शन को दो तरीके से यूज किया जाता है। आज पहली बार एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। आप लोगों ने ऑफिसेज में कहीं देखा है सेंट्रल वार्ड, सेंट्रल वार्ड को इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, जिसे अलग शब्दों में सेंट्रल सेल या इन्वेस्टिगेशन सेल भी कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मान लीजिए इंफॉर्मेशन आई किसी भी व्यक्ति से, राइट। इसके दो एंगल है, इस सेक्शन के दो एंगल है, जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन आई, ये इंफॉर्मेशन बल्क इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन कैसी है? बल्क इंफॉर्मेशन है। आपको लगता है एओ के पास रियली इतना टाइम है वो एक एक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करे, एनालाइज करे, उसकी इंटिक्रिसीज में जाए, उसके बेसिक्स में जाए? नहीं। तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सेंट्रल वार्ड बनाया, एक सेंट्रल स्कीम बनाया, जिसके तहत क्या की जाती है, ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल स्कीम को दे दी जाती है और उनको बोला जाता है कृपया इसे वेरीफाई करके दें, ये इंफॉर्मेशन को चेक करके दें, राइट। जैसे पुलिस में आपने क्राइम पेट्रोल कभी देखा होगा, तो क्राइम पेट्रोल के अंदर में ये होता है कि उनने इन्फॉर्मेशन ले ली और इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, एनालाइज करने के लिए किसी को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी का मोबाइल मिला, क्राइम सीन से मोबाइल मिला, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो क्या दे देते हैं, उनके आईटी सेल को दे देते हैं। ठीक उसी तरीके से जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस इन्फॉर्मेशन की क्रेडिटेबिलिटी डिटेल्स एंड एनालिसिस करने के लिए क्या कर दिया जाता है, सेंट्रल वार्ड या सेंट्रल सिस्टम को दे दिया जाता है। सेंट्रल सिस्टम क्या करता है, इसे वेरीफाई करके देता है, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस करना। दूसरा दूसरा इसका ये है, दूसरा इसका ये है
कि 133C के अंदर में एक और चीज बोला जाता है। 133 के अंदर में क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है, ये इंफॉर्मेशन मैं खुद भी चेक कर सकता हूँ, सेंट्रल सेल को भी दे सकता हूँ। अब कई बार क्या होता है, मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि आप मुझे इंफॉर्मेशन दे, और इस इंफॉर्मेशन पे मैं साइन करवा करके ले लेता हूँ दैट दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट। मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ बैंक। अब बैंक के केस में सेंट्रल सेल को भेजने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि बैंक जो डिटेल दे रहा है ये कंप्लीट डिटेल्स होती है। तो ऐसे केसेस में जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं जाती, और वैसे केसेस में एक पावर होता है। पावर किस चीज का, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। चेक कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन किस लिए यूज होती है, ये इंफॉर्मेशन यूज होती है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग असेसमेंट और मे बी री असेसमेंट, राइट। सो फॉर इंक्वायरी बाय डिपार्टमेंट, फॉर इंक्वायरी बाय डिपार्टमेंट, क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग सच इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है इस इंफॉर्मेशन को क्या करना, प्रोसेस करना। प्रोसेस करके क्या करना, मेक अवेलेबल द आउटकम। और इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन का आउटकम आया है, इस आउटकम को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस सेक्शन को देखा जाओगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल इररिलेवेंट टॉपिक है। ये मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए तो भी लिख दिया, क्योंकि जब आप बेरैक्ट पढ़ेंगे तो बेरैक्ट के अंदर में ये सेक्शन दिखता है, बट प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो मैं मेरी बुक्स के अंदर में भी इसे कवर नहीं करता। एक्सप्लेनेशन करते वक्त कर देता हूं कि इंफॉर्मेशन ऐसे मंगाई जाती है और इंफॉर्मेशन का ऐसा यूज होता है, बट दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल। अब इंफॉर्मेशन मैं करूं या सेंट्रल करे, आउटकम तो हम लोग उसी तरफ से प्रोसेस करेंगे। सो 133 हम लोग पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, क्वेश्चनर दे देते हैं, इंफॉर्मेशन मंगा लेते हैं। 133B हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस में विजिट करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं करते। 133C हम इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं ये साइंड ही कलेक्ट करते हैं, या कलेक्ट करके सेंट्रल वार्ड को दे दिया जाता है और बोला जाता है एक काम कर, तू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वेरीफाई करके मुझे आउटकम निकाल के दे, और इस आउटकम के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, मेरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाऊंगा। ये हुए 133, 133B, 133C। अब हम आते हैं 133A के ऊपर, राइट। 133A के ऊपर, 133A सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है ICAI की एग्जामिनेशन में। 133A को अगेन तीन पार्ट में देखा है, 133A1 नॉर्मल सर्वे, 2 टीडीएस सर्वे, 5 एक्सपेंसेस सर्वे। 133A को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्मल सर्वे, टीडीएस सर्वे एंड एक्सपेंसेस सर्वे। अच्छा जी सर, सेक्शन के बारे में हम क्या कहें, सबसे पहली बात होती है नॉर्मल सर्वे। सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वे मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आता है, आपके प्रमाइसेस को देखता है, सर्वे करता है आपके प्रमाइसेस के ऊपर, और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड करने का पावर ले लेता है। ध्यान से सुनिएगा, सर्वे के अंदर में पहला सर्वे होता है आपका नॉर्मल बिजनेस प्रमाइसेस का सर्वे। ये सर्वे किस लिए होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की खोजबीन करने के लिए या अदर डॉक्यूमेंट्स की खोजबीन करने के लिए होता है। टीडीएस सर्वे एनालिसिस किया जाता है कि आपने टीडीएस टीसीएस का कंप्लायंस प्रॉपरली किया है या नहीं किया है। और तीसरा होता है एक्सपेंसेस सर्वे।
एक्सपेंसेस सर्वे क्या होता है, एक्सपेंसेस सर्वे के अंदर में ये देखा जाता है कि अगर एसएससी ने कोई फंक्शन कैरी आउट किया है तो इस फंक्शन के अंदर में उसने कितना एक्सपेंसेस किया है। अब ऐसे कई केसेस आए हैं, लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों के शादियां हुई, अलाइज था, 100 100 करोड़ की शादियां हुई हुई है, अंबानी की शादी होती है, ऐसे बड़े बड़े फंक्शंस के अंदर में राइट क्या किया जाता है, सर्वे कंडक्ट करने का पावर है, लेकिन अब तक के इस पावर को फ्रूटफुली यूज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस। ध्यान से सुनिए, पावर है, यूज होता है कि नहीं होता है अलग विषय है, राइट। चलिए चेक करते हैं, नॉर्मल सर्वे, टीडीएस सर्वे, एक्सपेंसेस सर्वे। सर्वे करने आएंगे मतलब क्या करेंगे, वो आएंगे आ करके तीन चीजें मेजर पार्ट रोल प्ले करती है, पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा स्टॉक, तीसरा कैश। ध्यान से सुनना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, 133A के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हैं, ये पावर 133B में नहीं था। 133B में आओ, इंफॉर्मेशन देखो, चले जाओ, 133A आओ, आपको अगर लग रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हेन आई से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर बार इसके आगे मान लेना अदर डॉक्यूमेंट्स, राइट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप इंपाउंड कर सकते हो, लेकिन स्टॉक या कैश आप सिर्फ वैल्यू कर सकते हो, नॉट इंपाउंड। आप यहां पे आओगे, आपका ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ वर्क करना है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले लो, स्टॉक कैश वैल्यू कर लो, इंपाउंड नहीं कर सकते। अगर कैश और स्टॉक इंपाउंड करना है तो फिर हमारा तीसरा सेक्शन यूज होता है, तीसरा सेक्शन है 132। 132 के अंदर में वो पावर आता है जहां बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश, वैल्यूएबल ज्वेलरी सब इंपाउंड किया जाता है। यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड होती है, कैश एंड अदर चीजें इंपाउंड नहीं हो सकती। अच्छा जी सर, सर सर्वे कहां हो सकता है? सर्वे सर कहीं भी हो सकता है जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, जहां पे भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहां पे सर्वे हो सकता है। मैं पूछता हूं, क्या बिजनेस प्रीमाइसेस पे हो सकता है? आंसर इज यस। क्या हाउस में अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हुई है वहां हो सकता है? आंसर इज यस, आपके हाउस में भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर कहीं थर्ड प्लेस पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी गई हो तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहां पे भी रखी गई है वहां पे भी सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है। अच्छा जी सर, सर सर्वे कब होगा? सर्वे कब होगा? अगर बिजनेस प्रीमाइसेस है तो ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उस जगह पे जहां पे बिजनेस आवर्स मतलब वो आवर्स जहां स्पेसिफिकली बिजनेस किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट। जिस टाइम पे बिजनेस हो रहा है हम उसे क्या कहेंगे? बिजनेस आवर्स कहेंगे। आगे आगे, अगर कोई अदर प्रीमाइसेस है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेट्स से बिजनेस पे नहीं रखा है, कोई अदर प्रीमाइसेस है, तो सिंपली है आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। याद रखें, सर्वे स्टार्ट होने का टाइम है, सर्वे एंड होने का टाइम नहीं है। ये सर्वे स्टार्ट होने का टाइम है, सर्वे एंड होने का टाइम नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइए, क्या जो इंस्टीट्यूशंस सेक्शन 10 एंड 11, लेट्स से चैरिटेबल ट्रस्ट, राइट, ये एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, क्या इन पे भी सर्वे हो सकता है? एक टाइम था जब इन पे सर्वे नहीं हो सकता था, ध्यान से सुनिएगा, एक टाइम था जब इन पे सर्वे नहीं हो सकता था। लेट्स से हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा, ये लोग क्या कर रहे थे सेक्शन 10 के अंदर में? अब मैं आपसे कुछ लिंक करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। क्या होता था, जब इनके यहाँ सर्वे करने जाते थे तो इनके यहाँ सर्वे पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि सेक्शन में स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं था, और ये अपने एग्जम्पशन क्लेम करते थे, इनकम तो टैक्सेबल थी नहीं तो सर्वे यूज नहीं हो पाता था। पर हम कैसे देखेंगे कि जिनको एग्जम्पशन दिया गया है, इन एग्जम्पशंस पे कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो सर्वे करके ही पता चल सकता था। सेक्शन को सूटेबली अमेंड किया गया और बोला गया कि अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या सेक्शन 10 के अंदर में जो एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं इनके ऊपर भी सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है जो सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे हैं उन्हीं पे सर्वे होगा, अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होगा या ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जो सेक्शन 10 के अंदर में एग्जम्पशन क्लेम कर रहे होंगे इन पे भी सर्वे किया जा सकता है। लेकिन इस पे एक एक्सेप्शन लाया गया, इस पे एक एक्सेप्शन लाया गया, और वो लाया गया रिलीजियस ट्रस्ट। अगर कोई ट्रस्ट सिर्फ रिलीजियस ट्रस्ट होगा, चैरिटेबल एज वेल एज रिलीजियस है ऑब्वियसली हो सकता है, अगर कोई ट्रस्ट सिर्फ रिलीजियस ट्रस्ट है तो इस पर सर्वे नहीं हो सकता। सो लेट्स से अगर कोई पर्टिकुलर मंदिर है इसके ऊपर सर्वे करना है, पॉसिबल नहीं है सर, इनके ऊपर सर्वे नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, यू कैन अंडरस्टैंड, वी आर इन इंडिया, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो बिजनेस प्रीमाइसेस के ऊपर सर्वे कर दो चलेगा। कोई चैरिटेबल या सेक्शन 10 वाले एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है आप उस पे सर्वे कर दो चलेगा, पर
पर आप रिलीजियस ट्रस्ट के ऊपर क्या नहीं कर सकते, सर्वे नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। तो ये चीज क्या की गई, ऐड की गई, और अब जो सेक्शन 10 और 11 में सर्वे, और मैं आपको इससे आगे एक चीज कनेक्ट कर रहा हूं, याद होगा तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर में अगर एओ को चेक करके, असेसमेंट करके या इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऐसा लगता है कि जिन कंडीशंस के बेसिस पे इन्हें एग्जम्पशन दिया गया था, ये उन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकता है कि इनके एग्जम्पशंस विड्रॉ किए जाएं, हाँ या ना? बताइए, लिंक समझी या नहीं समझी, कनेक्शन बैठा या नहीं बैठा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए, समझा या नहीं समझा, मजा आया या नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है? चलिए सर, बहुत शानदार। गुड, आइए ध्यान देते हैं। ये हुआ नॉर्मल सर्वे की बात, वापस से एक बार कह दूं, नॉर्मल सर्वे सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हैं, कैश और स्टॉक नहीं लेके जा सकते। आयो इंपाउंड करके लेके चल जाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड कर लेना। कहां पे सर्वे किया जा सकता है? अरे कहीं पे भी किया जा सकता है, जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी है वहां हो सकता है, राइट? तो आपके घर पे रखिए, वहां पे भी सर्वे किया जा सकता है, बस वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी जरूरी है। सर्वे के अंदर में किस टाइम पे सर्वे किया जा सकता है? सर, सर्वे सर्वे किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे, अगर बिजनेस है तो उस जगह पे जब वो बिजनेस कंटिन्यूड होगा, अगर बिजनेस कंटिन्यूड नहीं है तो आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट सर्वे किया जा सकता है। उन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन पे भी सर्वे किया जा सकता है, लेकिन रिलीजियस के ऊपर किया जा सकता नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, मैं कुछ और बातें कर लेता हूं, अब बात करता हूं टीडीएस सर्वे की, ठीक है? जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 133(a)(2), ये बात करता है टीडीएस टीसीएस सर्वे की। टीडीएस टीसीएस सर्वे जब आप बात पढ़ेंगे तो यहां पे वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इस चीज का होता है कि क्या आपने टीडीएस एंड टीसीएस के कंप्लायंस प्रॉपर किए या नहीं, आपने रिटर्न प्रॉपर फाइल किया या नहीं, टीडीएस टाइम पे फाइल किया या नहीं, आपने टीडीएस लाइबिलिटी टीसीएस लाइबिलिटी प्रॉपर डिडक्ट की या नहीं, टीडीएस प्रॉपर कलेक्ट किया या नहीं, इसके लिए जो फॉर्म्स एंड अदर चीजें मेंटेन करनी होती है क्या आपने मेंटेन किया या नहीं, जो सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं क्या वो सर्टिफिकेट्स आपने इशू किए या नहीं, इन सारी बातों का टीडीएस सर्वे के अंदर में कंप्लायंस होता है। दो बातें, पहला, टीडीएस सर्वे कब हो सकता है? टीडीएस सर्वे हो सकता है आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है वर्किंग आवर्स या ऑफिस आवर्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। टीडीएस कंप्लायंस चेक करने के लिए आपको वर्किंग आवर्स की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो टीडीएस सर्वे करने के लिए आप आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट कभी भी आ सकते हैं। दूसरी बात, यह सिर्फ हो सकता है बिजनेस प्रिमाइसेस के ऊपर, नॉट चैरिटेबल। हाँ, ये बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, पर जब आप 133(a)(2) बैरैक्ट के अंदर में पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर कट लिखा है बिजनेस प्रिमाइसेस एंड नॉट चैरिटेबल पर्पस। सो चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों के अंदर में, चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों के अंदर में क्या नहीं हो सकता, ये सर्वे कंडक्ट नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा, राइट? यानी टीडीएस टीसीएस सर्वे अगर हो भी सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है बिजनेस प्रमाइसेस के अंदर में, अदरवाइज हो सकता नहीं, राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट और बड़े काम की चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट और बड़े काम की चीज, यहां पे नो इंपाउंडिंग कवर है। क्या कवर है? नो इंपाउंडिंग, मतलब ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना स्टॉक, ना कैश, तीनों भी कवर नहीं किए जा सकते। 133(a) नॉर्मल सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड हो सकता है, टीडीएस सर्वे के अंदर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं हो सकते, जो बिल्कुल लॉजिकल है। टीडीएस में आप ये चेक करने आ रहे हैं टीडीएस कंप्लायंस प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेन देन नहीं है, राइट? तो
तो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया है, इंपाउंडिंग को यहां से बाजू रखा है और कहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टॉक और कैश यहां पे इंपाउंड नहीं किया जा सकता, राइट। आदर जी कह रहे हैं मजा आ गया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग कह रहे हैं थैंक यू सो मच, अगर आपको मजा आ रहा है इससे ज्यादा क्या बात होगी। पहली बार तो तुमको डीटी में मजा आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। और अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें ये चीज बस किसी अपने दोस्त को पहुंचा देना जिसको सच में जरूरत होगी, डीटी से जो सफर कर रहा होगा प्लीज उसको पहुंचा देना, राइट। आ जाओ बात करते हैं। सी ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होता है, आप जब पढ़ो तो बस मजे के साथ पढ़ो, एक एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ो, सेट चीजों के साथ पढ़ो, बहुत मजा आएगा, राइट। अच्छा जी सर मुझे एक बात बताइए, हम यहां इंपाउंड नहीं कर सकते, हम यहां इंपाउंड नहीं कर सकते, पर क्या हम इसकी कॉपीज ऑब्टेन कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कॉपीज ऑब्टेन करके ले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखना मेरे भाई, क्लाइंट जितना भी डेटा मेंटेन करता है सब कुछ टैली के अंदर में होता है, मैक्स टू मैक्स अगर बहुत बड़ा क्लाइंट भी हुआ तो आधी घंटा लगेगा टैली का बैकअप लेने के लिए। आज जो ये लोग सर्वे पार्टीज आते हैं, राइट, ये इंपाउंड ही नहीं करते, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेते ही नहीं। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि सर यू नो इस सेक्शन को सूटेबली अमेंड करना चाहिए, क्योंकि देख आज जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वो किसके अंदर में कर रहे हैं, टैली। वो पहले का जमाना था जब आप बुक्स लेते थे, एक लाल कपड़ा लाते थे, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमने हमारे आर्टिकलशिप में देखा हुआ है, एक लाल कपड़ा लाते थे, लाल कपड़े के अंदर में क्या करते थे, पूरे रजिस्टर वजिस्टर वगैरह रखते थे, बहीखाते रखते थे, फिर वो लाल को क्लोज करते थे, फिर उसको यू नो जीप के अंदर डालते थे, लेके जाते थे। आज ये सब है ही नहीं ना यार, आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा मुझे एक बात, इंपाउंड अगर कर भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ टैली का बैकअप करके लेकर के चल जा रहे हो, उसमें इतना कहाँ इशू आता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज आज तो मतलब टैली का बैकअप के थ्रू काम हो जाता है, मतलब डिपार्टमेंट अपना पेन ड्राइव लेके आता, हार्ड डिस्क लेकर के आता, उसके अंदर में एक फोल्डर बनाता क्लाइंट का, क्लाइंट के नाम से सारी डिटेल ले लेता, बोल देता भैया खत्म, यही इंपाउंडिंग है, यही मान लिया जाता है, डीम्ड इंपाउंडिंग के बेसिस पे काम चलता है आज के तारीख के अंदर में तो भी। यस और नो? चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो सर वर्ड देखिएगा, अब आते हैं एक्सपेंडिचर सर्वे के ऊपर, राइट। एक्सपेंडिचर सर्वे के ऊपर, एक्सपेंडिचर सर्वे क्या होता है, जितने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जितने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, राइट, इन इवेंट्स के ऊपर, इन इवेंट्स के ऊपर एक नजर रखी जाती है। अब लालू प्रसाद यादव जी देख लीजिए, एक इशू उठा था कि इनके बच्चे की शादी में 100 करोड़ रुपीज का क्या किया गया है, खर्चा किया गया है। मुकेश अंबानी के बच्चे की शादी, राइट, एक बहुत चर्चित शादी होती है ये सब, राइट। आपको पता होगा बीच में यू नो हिमाचल प्रदेश के अंदर में, स्पेसिफिकली मनाली के अंदर में किसी एनआरआई ने बहुत ज्यादा खर्चा किया था और उसने बहुत ज्यादा कचरा भी डंप किया था, और ये बहुत न्यूज के अंदर में भी आया था। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, कोई फंक्शन या सेरेमनी के ऊपर, सेरेमनी मे बी आईपीएल का ओपनिंग शो जिसके अंदर में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसी जो सेरेमनीज होती है इनमें हमेशा एक शक होता है कि लोग अपना ब्लैक मनी यहाँ यूज करते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, एक बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई उस बच्ची को देना चाहता है और उस बच्ची को खुश देखना चाहता है, एट द सेम टाइम जिनको एक लड़का एक लड़की है वो अपने बच्चे की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके की हम लोग लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उस तरीके के लाइफ स्टाइल के अंदर में हम लोग एक चीज देखते हैं कि पूरे फैमिली का एक साथ आना पॉसिबल नहीं होता, तो वो चाहता है कि अपने जितनी भी फैमिली है उनको एक साथ कवर कर लें और इस खुशी के मोमेंट को सबके साथ जिए। इस टाइम पे अपना जितना ब्लैक मनी है वो यहाँ यूज करता है, मैक्सिमम ब्लैक मनी कहाँ यूज होता है, केटरर्स, 100% मैक्सिमम पेमेंट्स कैश के अंदर में किए जाते हैं, जो पंडाल लगाते हैं 100% पेमेंट्स कैश में किए जाते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 194C के अंदर में इनको केटरर्स को स्पेशल जगह दी गई है, किसके लिए, टीडीएस के लिए, ताकि पता तो चले केटरर्स कितने और उनको क्या पेमेंट मिल रहा है, राइट। उसके बाद में ये जो कैमरामैन होते हैं, कोरियोग्राफर्स होते हैं, इन्हें मैक्सिमम पेमेंट्स कहाँ में किए जाते हैं, कैश में किए जाते हैं। और पेमेंट अगर कैश में हो रहा है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आदमी आ कहाँ से रहा है, खर्चा हो रहा है मतलब इनकम कहीं से तो है। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, एक्सपेंसेस सर्वे किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सपेंसेस सर्वे किया जाता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इस सेक्शन का ड्राफ्टिंग उतना बोल्ड नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि यहां वर्ड लिखा है एक्सपेंसेस सर्वे आप कब कर सकते हैं, ओनली आफ्टर सच सेरेमनी इज ओवर।
और ये वर्ड ना इस पूरे सेक्शन की बैंड बजा देता है, ये वर्ड इस पूरे सेक्शन की बैंड बजा देता है, क्योंकि वर्ड कहता है द एक्सपेंसेस सर्वे और अदर सर्वे कैन ओनली बी मेड व्हेन सच सेरेमनी इज ओवर। सेरेमनी ओवर हो गया तो इसके बाद सब कुछ तो खत्म हो गया ना मेरे भाई, सेरेमनी ओवर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इसके बाद देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जो एक्सचेंज करना था आपने एक्सचेंज कर लिया, किसने किसको गिफ्ट दिया, किसने कहाँ का गिफ्ट दिया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलने वाला, और इसीलिए ये जो थर्ड पार्ट बनता है ये क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, राइट। सो सर यहां पे सर्वे वाला पार्ट देख लेते हैं, मैं और भी देख लेता हूं, और कुछ पॉइंट्स है क्या अपने साथ? देख सकते हैं आप सर्वे के तीन पार्ट, मैंने नोट्स के अंदर में भी इसे कवर करके रखा है, सर्वे के अंदर के तीन पार्ट, नॉर्मल सर्वे, टीडीएस सर्वे, एक्सपेंसेस सर्वे, राइट। यहां हमने क्लियर कट लिखा है, ड्यूटी ऑफ असेसी अंडर द सर्वे, असेसी की ड्यूटी क्या है जो सर्वे के अंदर है, ही विल अफोर्ड द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके यहाँ सर्वे हो रहा है उसके ऊपर ड्यूटी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए नेसेसरी फैसिलिटी दे, साथ साथ में चेक और वेरीफाई कराए किसी भी स्टॉक को, कैश को, एंड फर्निश सच अदर इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एज मे बी यूजफुल, राइट। पावर ऑफ अथॉरिटी क्या है, प्लेस मार्क आइडेंटिफिकेशन, वो मार्क कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं कॉपी का, इंपाउंड कर सकते हैं मैक्सिमम 15 दिन विदाउट अप्रूवल, वी ऑल्सो नो दिस, मेक इन्वेंट्री ऑफ कैश एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन विच मे बी यूजफुल और रिलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। हमने 133B ऑलरेडी कर लिया, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड 133C कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर सर्च, ये जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद इसको नोट्स के अंदर में नहीं रखता बट मैं समझाते वक्त इसको समझा देता हूं, राइट। एंड इस हिसाब से हमारा 131 कंप्लीट हुआ, 133 का सीरीज कंप्लीट हुआ, जिसमें 133 के अंदर में हम लोगों ने 133, 133B, 133C एंड 133A हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। अब तक कितने सेक्शन हुए, सबसे पहले सर्च एंड सीजर चालू किया था मैंने 131 और 133 के साथ और 132 के साथ, प्लस दो सेक्शन और 153A, 153C। कुछ और बातें मैं यहां से आपको देना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 136, 136 कहता है जो भी प्रोसीडिंग इनकम टैक्स में इस सेक्शंस के अंदर में की जा रही है इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग मान लिया जाएगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि ये मान लिया जाएगा कि आपने जो कहा सच कहा और अब आपकी इस इंफॉर्मेशन को आपके खिलाफ भी यूज किया जा सकता है एंड एज ए एविडेंस भी यूज किया जा सकता है। 136 कहता है प्रोसीडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड एवरी इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल डीम टू हैव पावर ऑफ सिविल कोर्ट, और अब ये चीज यूज की जा सकती है, इनफैक्ट सेक्शन 195 के लिए भी। जो सर्वे के अंदर में बुक्स मिली इस पे कोई प्रिजम्पशन है क्या? आंसर इज यस, सेक्शन 292C यहां पे आपने पढ़ना चाहिए। 292C कहता है, जरा ध्यान से सुनिए, जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको सर्वे में मिली, सेम सेक्शन सर्च के लिए भी यूज होगा, 292C सर्च 132 के लिए भी यूज होता है, सर्वे के लिए भी यूज होता है 133A के लिए। जो बुक्स ऑफ अकाउंट सर्च के दौरान मिली, हो सकता है असेसी से डिनाई कर दे ये मेरा नहीं है, हो सकता है कि कोई साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट मिले वो कह दे ये साइन तो मेरी है ही नहीं, ऐसे केसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ हुए हुए हैं जहां पे असेसी ने डिनाई कर दिया कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरी है ही नहीं, किसी और ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेरी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक सेक्शन लाना पड़ा, सेक्शन 292C, जिसने कह दिया सर्वे या सर्च, मेरी बात ध्यान से सुने, सर्वे 133A या सर्च 132 में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन मिल रही है हम प्रिज्यूम करेंगे ये आपका है, इसमें जो लिखा है ये हैंडराइटिंग आपकी है, क्योंकि मैंने कहा ना लॉ कैसे बनता है, एक्सपीरियंसेस से बनता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कई बार जब बुक्स मिले एसएससी ने डिनाई कर दी ये हैंडराइटिंग मेरी है ही नहीं, अब ऐसे केसेस में उनने क्लियर कट प्रिजम्पशन ले लिए। देखिए इनकम टैक्स लॉ जो है अगर आप देखें तो
40 और 20, 60 इयर्स का होने आ रहा है, ये खुद सीनियर सिटीजन होने आ रहा है। वो अपने घर पे बोलते हैं ना, हमने ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए। ये बाल सफेद करने से पीछे एक एक एक्सपीरियंसेस है। सर्च में तो सर मैं रेगुलर क्लास के अंदर रहता तो आपको एक एक वर्ड बताता, ये इसके लिए ऐड किया, वो उसके लिए ऐड किया। ये पॉइंट बहुत सिंपल है, ये क्यों ऐड किया गया, क्योंकि लोग डिनाई कर देते थे ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ही नहीं, ये चीजें मेरी है ही नहीं। ऐसे केसेस में 292 सी लाया और प्रिजम्पशन ले लिया। बुक्स मिली आपकी मानेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिला आपके मानेंगे, इसमें हैंडराइटिंग आपकी मानेंगे, सिग्नेचर आपकी मानेंगे। ये बाद में असेसमेंट में प्रूव करते बैठना ये आपका है या नहीं है, आज जब ये हम सर्वे कर रहे हैं हम मान लेंगे सब कुछ आपका है। सो चेक कीजिए, वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस डॉक्यूमेंट्स प्लस असेट, असेट भी वर्ड कवर कर रहे हैं वो, प्लस असेट is found in the possession of assessee or any person in a search or survey under 133A, it may be presumed, hum assume kar lenge, it may be presumed that it belong to assessee, content of the books are true and signature or any part of the book handwriting belong to assessee, maan liya jayega sab kuch aapka. Is that done? चलिए, अब मैं आता हूं तीसरे पार्ट के ऊपर। अरे भाई आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं ही बड़बड़ करते जा रहा हूं और आप लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोगों ने इसके पहले हाँ कहा है, बट मैं हर सेक्शन में बस मेक श्योर कर लेता हूं कि आपको समझ में आ रहा है एंड एवरीथिंग इज क्लियर। डन सर। अब आता हूं मैं सेक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सर्च। जबरदस्त सेक्शन है सर, मजा आ जाएगा, और सर्च को तो सर आप अंडरस्टैंड करके देखिए। सिर्फ आई हैव बीन लकी कि मैंने मेरे आर्टिकलशिप के अंदर में भी सर्च से रिलेटेड क्लाइंट को देखा, क्योंकि हमारे ऑफिस में इसका काम था। और आई हैव बिन ऑल्सो लकी क्योंकि हमारे घर में भी सर्च हुई, हमारे घर में भी सर्च हो चुकी है, तो हमने वो भी देखी है। एंड आई हैव बिन लकी कि मैं सीए बना, और सीए बनने के बाद हमने हमारे क्लाइंट के बेसिस पे भी ये देखा। तो टेक्निकली सर्च का मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल दे सकता हूं। अब आपको रेड मूवी थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। रेड मूवी का मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं सर्च की, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं जितनी बातें बताऊंगा ये कोई भी हवा में नहीं होगी, ये सारी बातें आपको ओवर द पीरियड ऑफ प्रोविजंस देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले सर्च लाने से पहले, अब मान लो आपको ये इतनी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, 131, 133, एसआरएफटी भी बोल, एसएफटी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम एसआरएफटी भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, या कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, आपने सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, एंड नाउ यू नो दैट दिस पर्सन होल्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सर्टन कैश और वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। अब ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, इस आदमी के ऊपर सर्च करने की बात होती है। सबसे पहली बात, सर्च आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरी एक टीम बनती है, ऐसे ही किसी के ऊपर सर्च नहीं हो जाता। पहले उस आदमी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, थर्ड पार्टी एनालिसिस करते हैं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेते हैं, उसके बिजनेस को प्रेमाइज किया, विजिट किया होता है, और उसके बाद इसके ऊपर सर्च करना होता है। सर्च जो करते हैं वो सिर्फ सर्च पार्टी को पता होता है, ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं की जाती, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो हो सकता है कोई ना कोई उसका प्रिय बंधु उसको बता दे, उससे कमीशन ले ले, और पूरा का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इतने दिनों की मेहनत होगी वो वेस्ट हो जाएगी। तो सर्च को सबसे पहले अथॉरिटी, हायर अथॉरिटीज जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीजीआईटी, सीसीआईटी, सीआईटी, ये लोग अप्रूव करते हैं। एक सर्च टीम बनाई जाती है। सर्च टीम, जरा ध्यान से सुनिए, सबसे पहले कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनको ऑथराइज किया जाता है दैट यस दिस विल बी इन द टीम ऑफ सर्च, राइट। अलग अलग टीम बनाई जाती है। प्रिमाइसेस पहले नोटिस के अंदर में लिखे जाते हैं कि कौन कौन से प्रिमाइसेस के ऊपर क्या किया जाना है, सर्च किया जाना है, इन प्रिमाइसेस को चेक किया जाता है। जितने प्रिमाइसेस उतनी टीम, जितने प्रिमाइसेस उतने वारंट, जितने प्रिमाइसेस उतनी टीम, जितने प्रिमाइसेस उतने वारंट बनते हैं, राइट। इसको हम कहते हैं रिक्विजिशन फॉर सर्च, अलग शब्दों में इसे कहा जाता है टेक्निकल वर्ड में रिक्विजिशन फॉर सर्च। ये सर्च टीम के साथ साथ पुलिस जोड़ी जाती है, लोकल पुलिस का सहारा लिया जाता है। इसका लॉजिक क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, हो सकता है सामने वाले अटैक कर दे क्योंकि ऐसा हुआ है, राइट, या उसके कोई आस पड़ोस वाले या जानकार आदमी जो है वो अटैक कर दे, इसके लिए क्या किया जाता है, पुलिस ली जाती है।
पुलिस के साथ साथ लेडी कॉन्स्टेबल्स को भी लिया जाता है, ये किसके लिए? इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। महिला है, अपना घर बचाना, ये उसका एक बेसिक नेचर है। मान लीजिए अगर आप कोई गोदरेज चेक करने गए, ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, राइट, लेडी खड़ी हो जाएगी, पल्ला हटा देगी और आपके ऊपर इल्जाम लगा देगी कि इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की है। रेड गई एक तरफ और ये मैटर अलग शुरू हो गया। ऐसे केसेस में महिलाओं को भी रखा जाता है, क्योंकि महिलाओं की जो चेकिंग होती है वो सिर्फ महिला पुलिस कर सकती है। आज जब रेड होती है तो साथ में कैश काउंटिंग मशीन लेके जाते हैं। आज हम बहुत आधुनिक हो गए, हम कैश काउंटिंग मशीन लेकर जाते हैं। इसके साथ साथ वो आपने सर्चिंग मशीन देखिए, सामने ऐसा गोल होता है और सर्च करता है, मेटल डिटेक्टर बोलते हैं हम इसको, मेटल डिटेक्टर लेकर के जाते हैं। वो जो रेड मूवी में बताया ना, अचानक हीरो को यू नो ध्यान आता है, ये गिल्ला दिख रहा है, ये इजी दिख रहा है, चलो इसको खोद के देखते हैं, ये थोड़ा सा पिक्चराइजेशन किया हुआ है। मेटल डिटेक्टर्स लेकर के जाते हैं जिसमें गोल्ड डिटेक्ट हो सकता है या अदर चीजें डिटेक्ट हो सकती है, मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं अचानक कोई सी ने यू नो गन मारी और अचानक सोना बह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, अंडरस्टैंड प्लीज, राइट। तो मेटल डिटेक्टर्स लेकर के जाते हैं, कैश मशीन लेके जाते हैं, एक वैल्यूअर को साथ में लेके जाते हैं, साथ साथ में मशीन भी लेके जाते हैं। वैल्यूअर को साथ साथ में इसलिए लेकर के जाते हैं क्योंकि जो गोल्ड वगैरह मिलता है ये सब गोल्ड को वहीं काउंट किया जाता है और वैल्यूअर इसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट के निकालता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जैसी आपकी सर्च कंप्लीट होगी वैसे ही क्या किया जाता है, आपको साइन करना होता है, राइट, ऑथराइजेशन ऑफ सर्च के ऊपर, जिसे हम अलग शब्दों में वर्नैकुलर लैंग्वेज में कहते हैं पंचनामा। सर्च होने के बाद आपका पंचनामा पे आपकी साइन होती है। सो सर्च टीम, पुलिस, लेडी पुलिस, वैल्यूअर, इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज मेटल डिटेक्टर, कैश मशीन, अदर थिंग्स लेकर के जाते हैं, राइट। साथ साथ में मैजिस्ट्रेट को इनवाइट किया जाता है। मैजिस्ट्रेट इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, इसको ऑथराइज कर सकता है। बाद में चल के ये नहीं होना चाहिए कि ये जो मिला ये सही नहीं है, ये बाद में ऐड किया गया, मैजिस्ट्रेट को रखा जाता है, प्लस एक पर्सन हैविंग अ रिप्यूट इन द सोसाइटी उसे रखा जाता है, राइट। जहां पे भी सर्च मारना होता है उस सर्च का टाइम फिक्स किया जाता है। जनरली सर्च जो होती है ये आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट की जाती है, ऐसा सिर्फ सर्वे में होता है, सर्च मिडनाइट भी हो सकती है, ये पहले समझ लें आप। जरूरी नहीं है कि सर्च जो कंडक्ट की जाएगी, यू नो सर्वे जो हो रहा है, राइट, सॉरी, सर्च जो हो रहा है ये दिन में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मिडनाइट भी हो सकती है। ये जो पावर है आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट वाला, राइट, ये मैक्सिमम केस में सर्वे में रखा जाता है। हालांकि अब तक ऐसा बहुत कम देखा गया है कि मिडनाइट किसी के ऊपर क्या कर दी गई, सर्च कर दी गई। सो मैक्सिमम आफ्टर सनराइज अर्ली अर्ली इन द मॉर्निंग ही होता है, अर्ली अचानक से टपक जाते हैं। जिस बिल्डिंग को भी सर्च करना होगा उस बिल्डिंग को आसपास में पूरा सील किया जाता है, मतलब आगे और पीछे हर तरफ से जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं उस जगह लोग लगाए जा सकते हैं। हो सकता है कि कोई भागने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सकता है। सर्च के अंदर जब आप जाते हैं, ड्यूरिंग द सर्च नो पर्सन कैन कम इन, नो वन कैन गेट आउट विदाउट प्रीवियस अप्रूवल, राइट। नो पर्सन कैन कम इन और नो पर्सन कैन गो आउट, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। जैसे ये लोग सर्च करने के लिए अंदर आते हैं, सबसे पहले कम्युनिकेशन डिवाइसेस कलेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस कलेक्ट किए जाते हैं, मतलब सभी को बोला जाता है कि आप आपके सारे मोबाइल्स एंड कम्युनिकेशन क्या करने, एक थैली के अंदर में डाल दें और रख दें। सारे कम्युनिकेशन वायर्स हटा दिए जाते हैं और सबको बोल दिया जाता है मोबाइल बंद कर दें, साइलेंट कर दें जब तक ये सर्च चल रहा है। साथ साथ में जैसे ही जाते हैं वैसे ही आपको वारंट दिखाया जाता है कि हमको सर्च करना है, और आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, कितने लेडीज है, कितने जेंट्स है, बच्चे कितने हैं, सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, कौन कहाँ है, अभी क्या कर रहा है, किसका रूम कहाँ है, क्या है, ये सारी चीजें की जाती है। जो लेडीज होती है इन्हें कहा जाता है कि हमें आपके यू नो जो भी अलमीरा सेफ्स वगैरह है इनकी इंफॉर्मेशन ला करके दे दे, हम ये चीज चेक करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, साथ साथ में उस दिन खाने का भी जो सिचुएशन होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकली खाना भी जो होता है वैसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए तो बाहर से आता है, तो घर वालों के लिए भी बाहर से मंगा लिया जाता है, इतना थोड़ा बहुत कंसिडरेबल किया जाता है, राइट, ताकि घर वालों में से कोई खाना वाना बनाने में बिजी ना रहे, कोई अदर चीजों में बिजी ना रहे। अब जब सर्च कंडक्ट होने वाली होती है, एक एक रूम को चेक किया जाता है, कहाँ कहाँ चेक कर सकते, कोई भी जगह, मेरी वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जगह को चेक किया जा सकता है, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी प्रिमाइसेस वर्ड लिखा हुआ है, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी प्रिमाइसेस को चेक किया जा सकता है, राइट। ब्रेक ओपन, अगर आप वर्ड देखेंगे लॉ के अंदर, पहले ओपन नहीं, पहले ब्रेक ओपन लिखा है, और इसके तहत क्या होता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाकर के डायरेक्ट ब्रेक कर देता था, और
चाबी वाबी मांगना दूर की बात है, और इसीलिए बाद में वर्ड ऐड किया गया इफ द कीज आर नॉट अवेलेबल। सो अब उसका हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ये होगा कि पहले आप उनसे चाबी मांगते हैं, चाबी मांग करके ओपन करेंगे और हर चीज को निकाल लेंगे, राइट। वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, जितना जो कुछ मिल रहा है रेड में सब ला करके एक जगह कलेक्ट किया जाता है, मे बी लेट्स अज्यूम अ हॉल, वहां पे सब कुछ कलेक्ट किया जाता है जो जहां से मिल रहा है, एनी प्लेस। मतलब अब रेड मूवी में आपने क्या प्लेसेस देखी, ऊपर का कोई स्टोर रूम कवर्ड, आप गाय के एरिया में जाते हैं कवर्ड, आप कुएं के अंदर उतर रहे हैं कवर्ड, एनी प्रमाइसेस जहां उनको शक है वो उस प्रमाइसेस में जा सकते हैं, जहां पे मनी बुलियन आर्टिकल थिंग रखी होगी, कोई भी अलमीरा एंड अदर थिंग सब लेकर के आ जाएंगे। सामने वाला बोलेगा आप अमाउंट ले लो, ये ले लो, पॉसिबल ही नहीं है, वो सब पहले होता था, क्योंकि आज ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अमाउंट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर्च करने जा रहे हैं ये हायर अथॉरिटीज को पता होता है और इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस होता है, तो पॉसिबल नहीं है। सर्च कितने दिन चल सकती है, कितने भी दिन चल सकती है, चालू होने का टाइम नहीं है, खत्म होने का टाइम नहीं है, तो 5 दिन भी चल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, उस बेसिस पे क्या क्या मेजरली मिलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलते हैं, ज्वेलरी मिलता है, कैश मिलता है, वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग्स मिलते हैं, कुछ बेनामी प्रॉपर्टी मिलती है, ये सब ऐड करते हैं। और आपको मैं बता दूं, इस पे सिर्फ इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं होता, इस पे सिर्फ इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं होता, इसके ऊपर ब्लैक मनी एक्ट जो 2015 में आया, ह्यूज पेनल्टी, वो भी क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे ही गोल्ड मिला, कैश मिला, एक आदमी को बैठा देते, कैश काउंटिंग मशीन में कैश काउंट करता रहता है, गोल्ड काउंटिंग वाला गोल्ड को तोलता है, वैल्यूअर वहां पे क्या करता है, रिपोर्ट बनाता रहता है, और एक एक चीज करता रहता है। आज की सिचुएशन में वो पेपर वेपर पे नहीं लिखता, तुरंत के तुरंत क्या करता है, कंप्यूटर पर टाइप करता रहता है, और उसकी प्रिंटआउट निकाल लेते, प्रिंटिंग मशीन में मैक्सिमम केस में लेके जाते, या फिर हाथ से लिख देते। जनरली हाथ से लिखना अब अवॉइड किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, इसके लिए उसको हाथ से लिखना अब अवॉइड करते, और साथ में प्रिंट लेके जाते और प्रिंटर में कंफर्म कर लेते और उसके ऊपर क्या कर लेते, साइन ले लेते। अब कई चीजें ऐसी होती है जिसको निकालना पॉसिबल नहीं होता, राइट, जिसको निकालना पॉसिबल नहीं होता, या आप उसके वॉल्यूम या साइज के हिसाब से आप इसे निकाल के नहीं लेके जा सकते, राइट। ऐसे केसेस में अब मान लीजिए किसी के घर पे कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मिल गया, लेट्स से गन्स मिल गई, बॉम्ब्स मिल गए, क्योंकि जो इतना ब्लैक मनी के साथ डील कर रहा था, गन्स मिल गए, बॉम्ब्स मिल गए, अब ये क्या उठा करके लेके जाएंगे क्या, नहीं। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, ऐसे केस में प्रोविजनल सीजर किया जाता है, और प्रोविजनल सीजर के अंदर में एक सारी एक प्रमाइसेस के अंदर में इसे बंद करके ताला लगा के सील लगा दिया जाता है, इसे हम कहते हैं सीजर, कंस्ट्रक्टिव सीजर कहा जाता है, या इसे डीम्ड सीजर कहा जाता है, कि इसे सीज करके क्या कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, और उसके ऊपर एक ऑर्डर लगा दिया जाता है कि जब तक हम ना कहें आप इसके साथ डील नहीं करेंगे, राइट। ये सारी चीजें होने के बाद, राइट, सारी चीजें होने के बाद आपके ऊपर क्या बनता है, बनता है एक पंचनामा। इस पंचनामा के ऊपर मैजिस्ट्रेट की साइन ली जाती है, जो विटनेस आते हैं उनकी साइन ली जाती है, घर वालों को 2 विटनेस की साइन ली जाती है, इनफैक्ट सर्च के दौरान अलग अलग लोगों को लेके जाते हैं, ये रेड मूवी में भी बताया कि उसको लेकर गया अलग से, उससे इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन दरा करके और इंफॉर्मेशन ली जाती है, ये सारी चीजें होती है, राइट। और ऐसे केसेस में पंचनामे पे साइन ली जाती है, जिसके यहाँ रेड हुई है उसकी साइन ली जाती है, और आपका पंचनामा का एक कॉपी तुरंत आपको दे दिया जाता है, एक मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है, और आपके साथ लेकर के जाते हैं। सर्च के दौरान हर एक चीज इंपाउंड होती है, जो कुछ मिला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश, वैल्यूएबल आर्टिकल, थिंग, सब कुछ क्या कर लिया जाता है, इंपाउंड कर लिया जाता है, और इंपाउंड करके आपके साथ लेके चल जाते हैं। ये मेरी बहन का है, ये मेरे दोस्त का है, ये मेरे भाई का है, ये मेरे इसका है, कुछ एक्सप्लेनेशन आपसे सुनेंगे नहीं, आपको जो एक्सप्लेन करना है, आपको असेसमेंट का चांस मिलेगा, असेसमेंट में आपको करना है जो एक्सप्लेन करना है। आज हम यहां से सब लेकर के जा रहे हैं, आपको एक कॉपी इसलिए दी जाती है ताकि इसमें से कुछ कम ना हो जाए, तो आपको बोला जाता है कि सब सारी चीजें पढ़ लो और उसके बाद ही साइन करना, 2 बार आपको इंटीमेट किया जाता है। आज वो आपका सब कुछ उठा करके लेके चल जाएंगे, लेकिन एक चीज उठा के नहीं लेके जाते, और वो है स्टॉक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक चीज सीज नहीं कर सकता, और वो है स्टॉक। बल अगर गोल्ड स्टॉक है तो उस केस में गोल्ड को भी सीज नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिएगा। और उठा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, लेकर के चले जाता है, और इस तरीके से आपके रेड कंडक्ट होते हैं। पूरा डिटेलिंग मैंने आपको बता दी, अब बढ़ते हैं आगे, प्रोविजंस की ओर बढ़ते हैं, या एक काम करते हैं, प्रोविजंस की ओर हम लोग आकर के बढ़ेंगे,
ब्रेक के बाद आकर के पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ आपके कोई डाउट्स है जितने सेक्शन हम लोगों ने करे उसके ऊपर, तो प्लीज मुझे बताइए। प्रोविजंस की ओर आकर के पढ़ते हैं। सो प्लीज आपके कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं वो डाउट्स अभी हैंडल कर लेता हूं। और बची हुई प्रोविजन 132 और इसके आगे का पार्ट हम लोग आज करते हैं ब्रेक के बाद। सो आई इन्वाइट योर डाउट्स, फटाफट अपने डाउट्स जो भी होंगे आप बता दीजिए। ब्रेक, हाँ मैं ब्रेक दे रहा हूं, डोंट वरी, अभी ब्रेक दे रहा हूं। एनी अदर पर्सन, आपके घर क्यों सर्च हुआ था? मेरे घर सर्च क्यों हुआ था? ओ माय गॉड, राज आपके कमेंट के नीचे मेरे पापा का भी कमेंट है, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी हुआ हुआ है, सेल्स टैक्स का हुआ हुआ है, तो मेरे पापा भी ये देख रहे हैं। पापा हेलो, आपके यहाँ रेड हुई थी हमारे यहाँ, यस सेल्स टैक्स का रेड हुआ हुआ है हमारे घर के ऊपर। सो अनरिकॉर्डेड स्टॉक प्रूव करना पड़ेगा, स्टॉक होगा और आप बोल देते हैं कि ये स्टॉक है तो उसको नहीं किया जाता। सर कैपिटल गेन सीए इंटर रिवाइज करवा दो। अरे बेटा सीए इंटर वालों तुम गलत जगह आए हो अभी। सर रेड एक असेसी पे कितने बार की जा सकती है? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक्ट में कहीं नहीं लिखा कितने बार हो सकती है। आई विविडली रिमेम्बर रायपुर में एक पर्सन है जिसके ऊपर अब तक 4 बार हो चुकी है, रायपुर में एक पर्सन है जिसके ऊपर तो 4 बार हो चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टीडीएस सर्वे कैन बी डन ऑन नेशनल हॉलीडे और संडे। आप कंपनी लॉ की बात पूछ रहे हैं, उस दिन मीटिंग नहीं हो सकती, सर्वे के लिए ऐसा कोई डेट नहीं बताया है। इज देयर एनी लिमिट? नहीं, लिमिट के बेसिस पे सर्वे होता ही नहीं है, सर्च होता ही नहीं है, लिमिट के बेसिस पे होता ही नहीं है। कौन सी लेवल के इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्वे कंडक्ट कर सकती है? ये है अथॉरिटी विच इंक्लूड सीआईटी, डीआईटी, जेसी, जेडी, एडी, डीडीआईटी, आईटीओ, टीआरओ, ये सब सर्वे कर सकते हैं। सर्वे के बिना डायरेक्टली रेड हो सकती है क्या? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है हिना जी, सर्वे के बिना भी रेड हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या सवाल है? एमसीक्यू केस बेस्ड स्टडी आएंगे क्या? बिल्कुल आ सकते हैं भारती जी, एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी इसके ऊपर बन सकते हैं। ड्यूरिंग द सर्च वी गॉट अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पर्सन, देन कैन वी स्टार्ट प्रोसीडिंग ऑफ दैट पर्सन। सर्च के दौरान किसी और व्यक्ति की डिटेल मिली। पहली बात गौरी शंकर जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप 292C देखते हो, 292C के अंदर में सबसे पहले तो ये प्रिजम्पशन हो जाता है कि ये सब कुछ आपका है। जब असेसमेंट होती है 153A के अंदर और ये प्रूव हो जाता है कि सच में ये आपका नहीं है किसी और का है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, एक अनादर सेक्शन है 153C, वो यूज होता है और उस पे अलग से होता है असेसमेंट। अगर किसी कंपनी पर रेड हुई तो क्या रेगुलर रूटीन वर्क भी रुक जाता है क्या? रेगुलर वर्क क्यों रुकेगा? रेगुलर वर्क को तो रोकते ही नहीं, क्योंकि हम आपका स्टॉक सीज कर ही नहीं रहे हैं, आप अपना काम बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। और वैसे भी हम जो बात कर रहे होंगे रेड में, वो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर का अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो चुका होगा, मैक्सिमम केसेस में उसके ऑडिट भी हो चुके होंगे, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, बिजनेस आपका बिल्कुल नहीं रुकेगा। 143(1) और 1D दोबारा एक्सप्लेन कर दो अभिषेक जी प्लीज, आपको वही देखना पड़ेगा। हरप्रीत जी आप रायपुर में रहती हैं, मतलब आप मेरे ससुराल के पास रहती हैं। डीटी पर कितना टाइम देना है, इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले मेरे भाई। सर बैंक अकाउंट कितने दिन के लिए फ्रीज किया जाता है? सबसे पहली बात, बैंक अकाउंट फ्रीज करना है क्या, ये पॉइंट आता है, और अगर करना है तो कितने दिन के लिए फ्रीज होता है, इसके लिए अलग से प्रोविजन दी गई है। बहुत कम केसेस होते हैं जहां बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, पर अगर फ्रीज होते भी है तो अथॉरिटी ऑर्डर दे देती है, ऑर्डर में लिख देती है कि इतने दिन के लिए फ्रीज है, या जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तब तक के फ्रीज है। टाइम पीरियड बिटवीन वन सर्च टू अनादर कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि एक सर्च से दूसरे सर्च के बीच में टाइम लिमिट कितना होना चाहिए,
बट जनरल रूल इन द इंडस्ट्री 6 साल तक के नहीं करते, क्योंकि 6 साल पुराना सब कुछ निकाल लेते हैं, तो जनरली एसएससी से बहुत कुछ कलेक्ट कर लिया जाता है, तो आगे वो करने की हिम्मत नहीं रखता और फिर 2-3 साल उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है। जब एओ एसएससी के यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए जाता है तो क्या उनको बताना पड़ता है कौन से सेक्शन में आए हैं? आप ऑलरेडी नोटिस लेके जाते हैं और नोटिस के अंदर में लिखा होता है कि क्यों आए हैं, काय के लिए आए हैं, तो हम उसको क्यों बताएंगे? हाँ, अगर वो पूछता है कि क्या सेक्शन है क्या नहीं, हम उसको डेफिनेटली बता देते हैं। सपोज हर्ष जी आप मेडिकल शॉप में गए, आप मेडिकल शॉप वाले को जाकर के सेक्शन बता भी देंगे तो उसको कितना समझ में आएगा कि ये सेक्शन में क्या है? सर हैट्स ऑफ टू यू मोटिवेशन के लिए, लव यू, प्लीज हो सके तो ये बताइए रिविजन किस तरह करें। बिल्कुल बता दूंगा बेटा। सर आफ्टर असेसमेंट विच टॉपिक विल यू टेक अप फॉर रिविजन? आई सीरियसली डोंट नो, मुझे आप लोग बताइए कौन सा रिवीजन के लिए लेना है, मैं वो लेता हूँ। सर बीच बीच में एग्जाम के क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, आई मीन एनी आंसर राइटिंग टिप? आंसर राइटिंग टिप मैं आपको अलग से करवा दूंगा, इस पे कोई डाउट है तो पहले वो बताइए। मैं सब आपको बता दूंगा, ये आप जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो मैं अलग से लाइव सेशन लेकर के भी कर सकता हूँ। हाउ टू क्वेश्चन, हाउ टू आंसर, व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, कितना हो जाना चाहिए। ओके ऑल यू ऑल फैकल्टीज ऑफ यू स्मार्ट आर बेस्ट सच एज दर्शन सर, बिकॉज ऑफ दिस रिविजन लेक्चर आई गॉट एग्जम्पशन फॉर डीटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिवाली। इंटरनेशनल टैक्स मैट एएमटी, इंटरनेशनल टैक्स मैट एएमटी, हाँ। और कौन से टॉपिक चाहिए? कैपिटल गेन, हाँ, और डिडक्शन। इंटरनेशनल टैक्स मैट एएमटी, हर्ष वो कैंसिल कर सकता है बट ही कैन नॉट डायरेक्ट टू लेवी अ फ्रेश पेनल्टी, आई सेड इन दैट सेंस। इंटरनेशनल टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स के कौन सा टॉपिक तुमको लगता है हार्ड है? चलो मैं ऐसी इन जनरल बातें कर रहे हैं तो 5 मिनट पूछ लेता हूँ। इंटरनेशनल टैक्स का कौन सा टॉपिक तुमको लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड है? ट्रस्ट। सो मैं पूछ रहा हूँ मोनिका जी से, हीना जी से, गोविंद जी से, जिनेश जी से, विनय जी से, कौन सा टॉपिक आपको लगता है इंटरनेशनल टैक्स का हार्ड है? ट्रांसफर प्राइसिंग हार्ड लगता है तुम लोग को? ट्रांसफर प्राइसिंग जैसा इजी टॉपिक नहीं है, सीरियसली ट्रांसफर प्राइसिंग हार्ड लग रहा है तुमको? टैक्स ट्रिटी में बोल सकता हूं यस। एनआर टैक्सेशन हार्ड है? ओके डन, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या लेके आ सकते हैं, डेफिनेटली कंसिडर करते हैं। एज ऑफ नाउ आप लोग फटाफट ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लेकर के आई एम नॉट श्योर अबाउट टूडे, आज हम लोग अभी ही रिविजन करेंगे या नहीं करेंगे मैं डाउटफुल हूँ इसके ऊपर, बिकॉज आई हैव टू गो बैक। मैं 5 मिनट के अंदर आप लोग को अपडेट देता हूँ कि क्या हम लोग आज लेक्चर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, मतलब सेकेंड लेक्चर माइट बी पॉसिबल हम लोग आज लाइव ना लेकर के कल ले लें, बिकॉज आई हैव टू बी आउटसाइड। तो मैं आप लोग को एक बार कम्युनिकेट करता हूँ, टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल दूंगा मैं भी लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आज नहीं हुआ तो हम लोग कर लेंगे, 132, 153 ए, 153 सी हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे, बट जो भी होगा मैं 5 मिनट में आपको बताता हूँ। डन, चलेगा। बाय सर, बाय एंड टेक केयर। मैं 5 मिनट में आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूँ सभी लोगों को कि हम लोग आज ही ले रहे हैं या नहीं।